So I welcome everyone in this NCERT class 8, okay, जिसमें हम लोग lecture number 6 देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अब तक chapter 1 से लेकर almost chapter 11 तक सारे chapter जो वो cover किए हैं। पिछले lecture में हम लोगों ने locust के बारे में देखा था and force and pressure के बारे में देखा था। आज के lecture का target हमारी ये तीन lectures है। So 12th that is friction, 13th that is sound and 14th that is chemical effect and electric current। उसके बाद में हमारे पास में बचेगा एक lecture अपने को चाहिए, एक लेक्चर हम लोगों को चाहिए, वो आपका 15, 16, 17 और 18 और वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारा पूरा पूरा साइंस का एनसीईआरटी खत्म हो जाने वाला है। आई एम सॉरी यश एंड बाकी सब लोग, जिन जिन लोगों ने मेरा ओरिएंटेशन लेक्चर अटेंड किया था, मैंने डेट पता नहीं कौन से विचार से गलत बताई थी। ऑलमोस्ट 1 अगस्त जो है वो मैं डेट कंसिडर कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो अब ज्यादा दूर नहीं है, एक 15 दिनों के बाद में हमारा पॉलिटिकल साइंस जो शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शनल हम लोग 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। ठीक है यश और बाकी भी लोग जो है, यस बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई सेड सितंबर, सो दैट वाज माय मिस्टेक। तो इतना सब अच्छा लेक्चर डिलीवर किया और लास्ट में एकदम गड़बड़ कर दी, तो हो जाता है कभी कभी। एनीवेज अभी इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन, साउंड एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर में आप सबने लोकस्ट के बारे में पढ़ा था, सबको मजा आया था लोकस्ट के बारे में, सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर है लोकस्ट के बारे में, गुड। जो भी लोग हैं वापस अपने स्पीड में आइए, ओके, बिकॉज यू ऑल नो दैट मेरे क्लास में इंटरेक्शन थोड़ा चाहिए, तो आप लोग वाई वगैरह लिखा करो, गुड। लोकस्ट इन्वेजन हमने कवर किया था कि क्या है लोकस्ट इन्वेजन, कैसे है, ओके, लोकस्ट जो है वो कैसे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। तो जब तक वो एक कम अमाउंट में होंगे, समझो एक 100 के अमाउंट में जब तक होंगे, तब तक वो सॉलिटरी रहेंगे, मतलब क्या अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे ही ऐसा एक मान लो कि एक 200 के ऊपर में जैसे ही उनका आंकड़ा वहां पे पॉपुलेशन जब उनकी बढ़ जाती है, सो सडनली दे बिकम ग्रिगेरियस। तो सिर्फ बिहेवियर में ही चेंजेस नहीं करते हैं, तो इवन कलर में भी चेंजेस लाते हैं उनके, ओके, तो इवन उनके कलर में भी चेंजेस आ जाते हैं और फिर उनके अंदर में बहुत ह्यूज पावर होती है फ्लाइट की। ऑलमोस्ट एक दिन में 150 किलोमीटर वगैरह जो है वो दौड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। सर आई एम न्यू हियर बट विल कवर द प्रीवियस लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। यस वैष्णवी, नो प्रॉब्लम्स, ओके। एंड एनीवेज यहाँ पे कोई पिछला लेक्चर का बेस आपको लगेगा नहीं, सो यू डोंट वरी अबाउट इट कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। फिर एक जो है मतलब ऐसा जो डेजर्ट लोकस्ट जो है, ओके, वो कितना खा जाता है, ऑलमोस्ट एक 2 ग्राम का वजन का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट खा जाता है। और अगर 1 किलोमीटर तक का स्वाम्प अगर उनका फैला हुआ है, तो 35,000 पीपल जितना खाना खाते हैं एक दिन में, उतना इन लोग पूरा का पूरा खा जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का पिटफॉल है, कैन दे हर्ट ह्यूमंस, आंसर इज नो, बट कैन यू ईट डेजर्ट लोकस्ट। और हमने ये भी देखा था, आप में से कुछ लोग ऐसे थे विच इनिशियली डिड नॉट वॉन्ट टू ईट लोकस्ट, बट लेटर वेन दे केम टू नो दैट दे आर 62% प्रोटीन रिच, ओके, देन दे चेंज देयर माइंड एंड दे ऑल्सो सॉ दिस क्रिस्पी लोकस्ट, ओके। तो यहाँ पे देख के किसी किसी की जीभ लपलपाई और फिर उन लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया, मतलब दे सडनली टर्न्ड, ओके, टू द लोकस्ट ईटिंग पीपल। एनीवेज बाद में हमने ये भी देखा कि जोधपुर में उसका सेंटर है, यस। फिर उसके बाद में वी सॉ अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर, ओके। तो फोर्स एंड प्रेशर का एक काम करते हैं, इसके जो क्वेश्चंस है पहले वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल सी कि आप लोगों को आंसर्स करेक्टली आते हैं या नहीं आते हैं, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स करो जरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैश द रोप, जल्दी से, वेरी गुड, पुल, ओके। तो सबसे फास्ट आंसर जो है, एक सेकंड इसको बड़ा करते हैं, सबसे फास्ट आंसर दिया है शगुफ्ता ने, गुड, ओके, शगुफ्ता ने सबसे फास्ट आंसर दिया है इसका, जस्ट अ सेकंड, लेक्चर चल रहा है, रख दो इधर, सामान लाए हो तो वो तो रख दो जल्दी। So I'm sorry. Yes, I know we did this in last lecture, but let us go it for one more time. Okay. A charged body dash. Yes. Uncharged body को क्या करने वाली है? Attract करने वाली है, या pull भी बोल सकते हो, attract भी बोल सकते हो, दोनों भी है.
टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। दोनों है, पुल भी कर सकते हो पुश भी कर सकते हो, तो दोनों भी हम लोग बोलेंगे, पुल एंड पुश दोनों हो सकता है क्योंकि आपको एक लोडेड ट्रॉली जो है उसको पुल पुश दोनों कर सकते हो। फिर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। यस गुड। अब इसमें से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेस द एरो विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज फोर्स दैट कॉजेस अ चेंज इन इट्स, यस चेंज इन इट्स शेप। ओके, ये शेप, ये रहा आपका शेप, वेरी गुड। फिर उसके बाद में द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर। अगर आप शॉर्ट में लिखोगे, देखो एम लिखोगे ना तो भी आई विल नो। ओके, सो नो नीड कि आप लोग पूरा का पूरा लिखो, ठीक है। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। Yes, okay, contact force. While the arrow moves towards the target, the force acting on it due to dash, that due to dash of the air. Friction, okay. Yes, yes. Chalo, abhi question number 5. In following situation, identify the agent exerting the force and object on which it acts. State the effect of the force in which case. Okay, squeezing and piece, squeezing a piece of the lemon between the fingers and extracted juice. क्या करने वाले आप लोग? Everybody able to see? Is there any problem in internet? Come on guys, is there any issue with internet? Okay, ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। एनीवेज, तो ये क्वेश्चंस जरा मजा नहीं आ रहा है। एनीवेज, हम लोग सीधा का सीधा मुड़ते हैं एक बार रिवीजन के ऊपर में, तो ये वाला सब हमने देखा हुआ था, उसी को रिवाइज करते हैं फटाफट। डन। सो हम लोगों ने फोर्स के बारे में देखा, अ फोर्स कैन बी पुश या फिर पुल, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग जो है वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हम पुश या पुल करते हैं। एंड एक्चुअली इन साइंस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द फोर्स। मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमारा जब फोर्स जो है वो एक्शन में जब आता है तो उससे कुछ ना कुछ आपकी मोशन हर बार जनरेट होने वाली है। और मोशन ऑफ स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, मोशन ऑफ स्टेट में कौन कौन से दो स्टेट आते हैं, जल्दी बताओ। मोशन ऑफ स्टेट में यस, वेरी गुड, रेस्ट एंड मोशन दोनों भी मोशन ऑफ स्टेट में हमारे आते हैं, पिछली बार हमने देखा था। ओके, फिर द कार में बिगिन टू मूव, और इसमें यहां पे फोर्स जो देना है तो ये कौन सा फोर्स देना है, पुश फोर्स देना है। फोर्सेस को हमने ब्रॉडली दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ था, एक जो था वो था आपका कॉन्टैक्ट और दूसरा था आपका कॉन्टैक्टलेस। ओके, तो कॉन्टैक्ट के फोर्सेस का वन ऑफ द एग्जाम्पल जो है वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में भी अगेन अपने पास दो टाइप है, एक है मेन का और दूसरा है एनिमल का। तो ये वाला जो फोर्स यहाँ पे है ये एनिमल का है, यहाँ पे पुश है, यहाँ पे पुल है। ओके, तो पुश पुल ये सारे के सारे फोर्सेस आपके एक दूसरे के साथ में एक्ट करते हैं, और जब आप लोग फोर्सेस जब लगाते हो तो उनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजों में आपके चेंजेस भी आने वाले हैं। ओके, तो जब फोर्सेस जो है वो जब वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे तो फोर्स ऐड होगा या माइनस होने वाला है, ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, वेरी गुड। ओके, ऐड होगा, और जब एक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसमें क्या होने वाला है, जो भी इसका नेट फोर्स रहेगा वो उसमें जीत जाएगा। तो इसमें नेट पुल फोर्स जिसका होगा वो जीतेगा, इसमें नेट पुश फोर्स जिसका होगा उसके साइड में इसकी मूवमेंट जो वो होने वाली है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। देन वी सॉ अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो कुछ भी हो सकती है। स्टेट ऑफ मोशन में या तो एट अ रेस्ट या फिर एट अ मोशन हो सकता है।
ओके okay? तो चाहे मोशन से आपको ओके मोशन से आपको इसको अगर रुकाना भी है तो भी यू नीड फोर्स, और अगर रेस्ट से आपको इसको मोशन में लाना है तो भी यू नीड अ फोर्स. ओके तो हर बार आपको जो फोर्स लगने वाला है. लेकिन जब हम लोग एक चीज एक बॉल को हम लोग फेंकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समझो ये इतने दूर जाती है और उसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद में रुक जाती है. लेकिन मैं तो इसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगाया था. एक बार मैंने जब इस फोर्स लगाया मोशन का, मैंने इसको भेज दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे आने के बाद में ये रुक क्यों गई, यहाँ पे ये बॉल यहाँ पे आने के बाद में रुक क्यों गई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. वेरी गुड. ओके शरीक, आंसर इज फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक अपना कॉन्टैक्ट फोर्स होता है विच एक्ट्स अपॉन इट, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल दिस फ्रिक्शन फोर्स टूडे. ओके तो इन सब चीजों को अच्छे से याद रखिएगा. बाकी स्टेट ऑफ मोशन के बारे में हमने देखा था, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, बैट्समैन कैसे उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकता है. तो हम लोग जो है वो फोर्स से इवन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज होता है. सो इन शॉर्ट व्हाट वी सॉ कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे तो मूव फ्रॉम द रेस्ट कर सकते हो, या फिर उसको रेस्ट पे हम लोग लेके आ सकते हैं, या तो हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं ओके, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका शेप भी हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं. यही इफेक्ट होते हैं अपने फोर्सेस के, या फिर इन सब में से इन सब का कॉम्बिनेशन भी हम लोग जो वो लगा सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ द फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम लोगों ने देखे थे. कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहला जो एग्जाम्पल था हमारा वो था मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स हमने देखा था कि जहां पे अपने को मसल्स यूज करनी पड़े ओके, उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड एज द मस्कुलर फोर्स. चाहे उसमें बुल हो चाहे उसमें मैन हो, हर तरफ हम लोग मस्कुलर फोर्सेस लगाई. दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स जो है हमारा वो है फ्रिक्शन. तो चाहे बाइसाइकिल हो, स्कूटर हो, रोइंग हो, किसी भी चीज हो, ये सब फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं ओके. और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन जो है वो सेकेंड हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है. देन वी सॉ अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल बताओ जरा. कम ऑन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल बताओ. वेरी गुड. ओके, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक एंड वन मोर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वही हो गया ज्योति. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका वैसे ही होने वाला है. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूमेंट. ठीक है, तो स्टैटिक फोर्स जो होता है वो तीसरा हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से तीसरा फोर्स है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम लोग स्ट्रॉ को कट कर दे और इसको अगर हम लोग पेपर पे ऐसे रब करें और उसके बाद में अगर इसके पास में लेके जाए तो ये अट्रैक्ट होंगे, बट अगर दोनों भी एंड हम लोगों ने रब किए हैं तो दोनों पे भी सेम चार्जेस डेवलप होते हैं. तो इस चीज को याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए कभी भी आपका इस ऑब्जेक्ट का गुड कंडक्टर होना ही जरूरी नहीं है. ओके, गुड कंडक्टर होना ही जरूरी नहीं है. ये पुअर कंडक्टर भी अगर हुआ तो भी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो वो डेवलप हो सकते हैं. आई सपोज इतना सबको पता है. कम ऑन गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में सबको पता है इतना. गुड. एयर जो है, एयर ठीक है, अब इज इट अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ एयर, इज इट अ गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर. एयर इज इट अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. कम ऑन गाइज, आज सबके रिप्लाई स्लो आ रहे हैं, या तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या फिर आप लोग स्लो टाइप कर रहे हो. हाउ कम एयर इज अ गुड कंडक्टर, जिन जिन लोगों ने लिखा हुआ है, हाउ कम एयर इज अ गुड कंडक्टर. क्या इलेक्ट्रिसिटी में यहां से वहां ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? देन अगर इलेक्ट्रिसिटी एयर में से ट्रांसफर होने लगी ना, तुम सब जिंदा नहीं रहोगे, तुम सब मर जाओगे यहां पे. इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? नाउ एवरीबॉडी रिप्लाई वंस अगेन. सबको समझ में आ रहा है, एयर जो है इट्स अ बैड कंडक्टर. लेकिन फिर आप लोग बोलोगे अभी मेरा क्वेश्चन है. ओके, नहीं, अब मेरा क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि फिर जो हमारे यहाँ पे बिजली जो कड़कती है ओके, तो फिर ये कैसे हो जाता है अगर एयर
इज अ बैड कंडक्टर, देन हाउ कम ये अपना जो बिजली चमकने के बाद में जो कुछ होता है, तो ये लाइटनिंग आती है, बिजली किसी के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एग्जैक्टली. सो चार्जेस इन द क्लाउड मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो जनरेट होते हैं. रिमेंबर दिस, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. और मैंने जस्ट आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए देयर नीड नॉट बी एनी रीजन ऑफ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. चाहे प्लास्टिक जो है वो भी आपका जो है वो चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, वो ही क्लाउड्स में भी होता है, तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है डेवलप होते हैं, एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ही आपके बिजली के थ्रू आते हैं एयर में. सबको ये वाली चीज अभी समझ में आई क्या, कि बिजली जब चमकती है तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है वो जनरेट होते हैं उसमें, ना कि उसमें से एकदम पूरा पूरा करंट जनरेट होता है. ओके, सो एयर जो है वो कभी भी आपका हमेशा बैड कंडक्टर ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये कैसे आपका यहाँ पे बिजली चमकाता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सबको ये वाली चीज समझ में आई है तो वाई प्रेस करो. गुड. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वी सॉ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमने देखे हैं, हर एक बॉडी के ऊपर में ये एक्ट करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज देखी, वो है प्रेशर. तो प्रेशर में, प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. ओके, तो इसमें आपको एक चीज सीधी समझ में आ रही है कि जितना होगा कम एरिया, ओके, उतना ज्यादा लगेगा उस पर प्रेशर, और जितना होगा आपका ज्यादा एरिया उतना लगेगा उसके ऊपर में कम प्रेशर. तो इसीलिए कुली जो है वो अपने सर पर ऐसे एक पूरी पूरी ऐसे गठड़ी बांधता है, रीजन ताकि उसके सर पे ज्यादा प्रेशर ना आए. ओके, और हम लोग एकदम छोटे फोर्स से भी चाहते हैं कि कील को हम लोग अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर दे, एंड फॉर दैट पर्पज हम लोग जो काम करते हैं वो है कि इसका एरिया ऑलमोस्ट कील का जो लास्ट वाला एरिया होता है ये काफी तीखा होता है. ओके, तो इसमें प्रेशर जो है वो ज्यादा आपका एक्ट करने वाला है. ठीक है, फिर प्रेशर के बारे में हमने पावर देखी थी. डज लिक्विड एग्जर्ट द प्रेशर? आंसर इज यस. और वो कौन से डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, डाउनवर्ड या अपवर्ड? वेरी गुड शगुफ्ता. ओके, गलत है यश. ओके, लिक्विड जो है वो ऑल डायरेक्शन में फोर्सेस अपने एग्जर्ट करते हैं, एंड स्पेशली सबसे ज्यादा जो है वो आपके जो ये बाउंड्रीज जो है, ओके, उन पर सबसे ज्यादा जो है वो फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं. समझ में आया? देखो ऐसे ही गड़बड़ होती है यश. ओके, हम लोग जोश जोश पे ऐसे ही गड़बड़ी कर देते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को. ओके, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिखा है, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर. बाकी इसका हर तरफ में प्रेशर जो है वो एक्ट करता है. फिर हमने एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा था. ओके, और एटमोस्फेरिक प्रेशर में हमारे सर पर कितना वजन है, कोई बता सकता है क्या? एक हमारे सर पर एयर का कितना न्यूटन्स का वजन है? वेरी गुड. ओके, 2250 न्यूटन शरीक. एक जीरो लगाना भूल गए तुम. ज्योति ने करेक्ट आंसर दिया, 2250 न्यूटन. इतना हमारे सर पर अब भी एयर का प्रेशर है, बट वाई डोंट वी फील इट? बिकॉज इक्वल अमाउंट का हम लोग जो है वापस से रेजिस्टेंस भी हमारी बॉडी ही डेवलप करती है, तो इसलिए फिर अपने को ये फील नहीं हो पाता है. इस चीज को याद रखिएगा. यहाँ पे लिखा है देखो 225 kg और 2250 न्यूटन का. फिर हमने इवन ये ऑटो वॉन ग्लुएरिक का एक्सपेरिमेंट भी देखा हुआ था कि इस एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या करोगे आप, अगर इसमें से एयर अगर आप लोग सकआउट करो तो उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो वो एक्ट करता है, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा पावरफुल लेता है. ऐसा ही वाटर में भी जितना डीप में आप लोग जाओगे उतना ज्यादा आपके ऊपर में प्रेशर जो वो बढ़ता जाता है. अब उसके बाद में हम लोगों ने ये सब कवर करने के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन. ओके, तो अपने को फ्रिक्शन के बारे में समझ के लेना है. फ्रिक्शन जो है इसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं नेसेसरी एविल. नेसेसरी एविल, कोई बता सकता है क्या क्यों हम लोग उसको नेसेसरी एविल बोलते हैं? बहुत अच्छा टर्म है ये. देखो कोई नहीं बता सकता है, सीधा नो लिखो ताकि आई वोंट वेट फॉर यू. और जिनको लिखना है एटलीस्ट वो टाइप करना शुरू करो. वेरी गुड प्रणाली.
लेट मी जस्ट चेक माई नेटवर्क, मेरा नेटवर्क कौन सा है। अच्छा वाला नेटवर्क है। विदाउट फ्रिक्शन वी वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप, इट इज नेसेसरी टू मूव लाइक वॉक एंड यस एग्जैक्टली। और एविल क्या है, एज इट कैंसल्स द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। तो सिंपल सी बात है, नेसेसरी इसलिए है क्योंकि वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे तुम वॉक कर रहे हो या फिर तुम अगर दीवार में कील ठोक रहे हो या अगेन तुम्हारी कार भी यहां से वहां अगर जा रही है, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी। बट वाई इट इज एविल, एविल इसलिए है बिकॉज ये एनर्जी जो है उसको डिसिपिटेट करता है। तो हम लोग अगर जब चलते हैं ओके, तो धीरे धीरे हमारे सोल जो है अपने क्या बोलते हैं ना जूतों के वगैरह शूज के, तो वो जो है वो खराब होने लगते हैं, या फिर हमारा टायर जो है वो वेयर एंड टेयर से खराब वगैरह होने लगता है। अगेन जो हम लोग बॉल बेयरिंग वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी हमारी बॉल बेयरिंग अगर चली जाती है, घिस के खराब हो जाती है, तो फिर वो पंखा तुम्हारा बहुत ज्यादा जोर से आवाज वगैरह करने लगता है ओके। सो इसीलिए इसको एविल बोलते हैं। तो दोनों भी मतलब चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, बट इसमें कुछ एविल वाले एक्ट भी है और वो हर एक चीज में आपका होने वाला है ओके। तो पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग ये वाला टर्मिनोलॉजी मेरे साथ में सीखोगे, जिसको हम नेसेसरी एविल बोलते हैं। तो हम लोग स्टेट मतलब गवर्नमेंट को भी नेसेसरी एविल बोलते हैं। क्यों नेसेसरी एविल बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं रहा ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनार्की आ जाएगा। और अगर और गवर्नमेंट होने से एविल एविल चीजें क्या है कि हम लोग पूरी तरीके से फ्री नहीं। ज्योति सेइंग दैट माय वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन, इज इट द केस फॉर एवरीवन? ओके या लेट मी जस्ट चेंज माय नेटवर्क देन। मे बी इट इज समटाइम Yes, that is why I asked you that whether I have a stable connection or not. Now I think everything would be smooth. Okay, I'm visible, I'm audible. Hello everyone, visible, audible, Jess, अच्छे से. And thank you जिसने भी ये चीज जो है point out की. अगर आगे भी ऐसी कभी कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता दिया करो. I was trying something new, but it seems कि it is not working. So next time onwards, I will just try to keep my, you know, अपना जियो जिंदाबाद basically. ठीक है. तो मैं आपको बता रहा था इसको नेसेसरी एविल बोलते हैं, और वैसा ही नेसेसरी एविल इवन स्टेट को भी हम लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट को ओके। क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं रही तो क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे एनार्की रहेगी। और अगर गवर्नमेंट जो है वो रहती है तो उससे क्या होता है, हमारी लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्म होती है। तो इसलिए स्टेट को भी हम लोग नेसेसरी एविल बोलते हैं। तो चाहे बाइसाइकिल आप चला रहे हो या और कुछ हो रहा है आप सबका ओके, रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन आपका एक थोड़ा सा कम हो जाए या बिना फालतू का अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उससे जो है वो प्रॉब्लम आपके जनरेट हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पे हमको फ्रिक्शन चाहिए होता है और कहीं कहीं पे हमको फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है। जैसे आपकी साइकिल या फिर अगेन आपकी बाइक या कार वगैरह जब आप लोग चला रहे हो, एंड व्हेन यू वांट टू स्टॉप इट, सो हाउ डू यू स्टॉप इट, तो आप जब ब्रेक लगाते हो तो आपने कभी देखा है क्या कि वो डिस्क पैड जो है वो क्या करती है, तो आपका समझो ये जो है वो टायर है ओके। हम लोग इसको एक फ्रंट व्यू से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये टायर है आपका और इसका ब्रेक जो है वो ऐसे रहने वाला है। एंड व्हेन यू प्रेस ऑन द पेडल ऑफ द ब्रेक, तो क्या होता है, ये वाला जो आपका ब्रेक है ये जाके ऐसे चिपक जाएगा और इससे फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और वो फ्रिक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप होती है। तो ऐसे हम लोग फ्रिक्शन को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन कभी कभी ओके, जब ऐसे आपका ऐसे केले पर से जब पैर वगैरह छिलता है तो क्या होता है, सडनली आपका फ्रिक्शन जो कम हो जाता है और इसमें आप लोग जो गिर जाते हो। तो स्मूथ एंड वेट सर्फेसिस पे आपका फ्रिक्शन जो है वो कम होगा हर बार। तो इस चीज को हम लोग कहीं कहीं पे यूज भी करते हैं, जैसे हम लोग जब बॉल बेयरिंग बनाते हैं तो हम लोग फ्रिक्शन जो है वो कम करते हैं, या फिर हम लोग कहीं पे ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन कम करते हैं ओके। तो अब चलो सीख लेते हैं फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो
ये जो है वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये सीधा का सीधा आपके जो भी डायरेक्शन में तुम अप्लाई करोगे उसके हर बार ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करने वाला है। तो समझो इसकी मोशन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको ये हर बार जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये ईस्ट में जा रहा है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में आपका फोर्स जो है वो लगने वाला है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। ओके, आई सपोज इतना सबको समझ में आ गया है। फिर अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स में से देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दिस। तो इसमें आपका सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है आपका स्मूथनेस। ओके, आपका सरफेस का स्मूथनेस कितना है उसके बेसिस पे यू कैन डिटरमाइन कि फ्रिक्शन कितना होने वाला है। तो अगर हम लोग इसको देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये आपका टेबल है और इसके ऊपर में ये बुक रखी हुई हमने। ओके, इसको हम लोग कितना इजिली इधर से उधर मूव कर सकते हैं या कितना इजिली हम लोग नहीं मूव कर सकते हैं वो डिपेंड करता है इसके इंटरलॉकिंग के पीरियड पे, इंटरलॉकिंग पे ऊपर में। ओके, अगर आप जूम करो इसको एकदम बहुत अच्छे से जूम करो तो आपको ये दिखेगा कि आपका ये टेबल है समझो, तो टेबल के कोई भी सरफेस जो है वो एकदम कभी आपको स्मूथ नहीं मिलेगा, हमेशा वो उबड़ खाबड़ या फिर रफ सरफेस ही आपको मिलने वाला है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज देयर इज नथिंग एज कोई भी ऐसी चीज नहीं है हमारे पास में जो एकदम इतनी स्मूथ रहने वाली है। ओके, और इसमें क्या होता है जब आपने ये रखा है और इवन आपकी इसके ऊपर में जब बुक रखी हुई होती है तो वो एग्जैक्टली एकदम स्मूथ नहीं होगा, उसमें भी इंटरलॉक जो है बने हुए होंगे और ये इंटरलॉक जो है वो एक दूसरे में फिट होते हैं। ओके, ये इंटरलॉक जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सो ये इंटरलॉक एक दूसरे के अंदर में फिट हो जाते हैं और ऐसे जो है वो आपकी फ्रिक्शन यहाँ पे एक्शन में आती है। ओके, ये वाली फ्रिक्शन आपकी कैसे एक्शन में आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग पैटर्न। अब मुझे बताओ, दो मैं आपको किस्से देता हूं। एक किस्सा है, ओके, एक किस्सा है कि आपका एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है। एक बॉडी जो है, देखो अभी आपको इसका आंसर बताना है, द बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग। ओके, मूविंग डायरेक्शन में है और आपको इतना फोर्स लगाना है ताकि ये यहां तक आ जाए, तो पहले जो है वो यहां तक ही आने वाला था बट तुम जो है इसको यहां तक भेजना चाहते हो। ओके, और सेकेंड कंडीशन है या सेकेंड सिनेरियो है जिसमें क्या होगा, एक बॉडी है आपकी अगेन उसी लोकेशन पे। ओके, और अगेन तुम अगर इसको तुम जो है वो यहां तक जो है वो पहुंचाना चाहते हो बट इट इज इन द स्टैटिक पोजिशन, इट इज इन द स्टैटिक पोजिशन। तो मुझे अब आप बताओ कि ये मूविंग बॉडी और ये रेस्ट वाली बॉडी है, इसमें से एक्स्ट्रा या ज्यादा फोर्स जो है वो अपने को कौन से सिनेरियो में लगाना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस बॉडी फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, बॉडी विच इज एट रेस्ट और बॉडी विच इज मूविंग, एक्स्ट्रा फोर्स कहां पे लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन इज व्हाई। ठीक है, आंसर इज करेक्ट कि ये वाली बॉडी जिस जो रेस्ट पे है ऑलरेडी, ओके, विच इज ऑलरेडी एट द रेस्ट, तो फिर इस पे मुझे एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? ठीक है, बहुत साइंटिफिक आंसर दे रहे हो, ओके, मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें जो है, ओके, इसमें जो है वो ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा, इसमें जो है वो इंटरलॉकिंग जो है वो बहुत इजीली हो जाती है और इस वाले केस में जो है वो इंटरलॉकिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट होती है। ओके, सो इट इज अबाउट द इंटरलॉकिंग। हम लोगों ने ये वाला जो सिनेरियो देखा है इसमें इंटरलॉकिंग आपकी जो हो रही है, तो इस केस में इंटरलॉकिंग विल बी वेरी इजी। ओके, और इंटरलॉकिंग अगर इजी है तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, और ऑब्वियसली फिर आपको अगर ये इंटरलॉकिंग फोर्स को अगर ब्रेक करना है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें इनकी इंटरलॉकिंग जो है वो इजीली नहीं हो पाने वाली है। ओके, तो इनकी इंटरलॉकिंग थोड़ी बहुत होती है बट छूट जाती है, इंटरलॉकिंग होती है छूट जाती है क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन द मोशन। ओके, तो ये इसका मेजर रीजन है, दैट इज दिस इंटरलॉकिंग जो है इररेगुलरिटीज की वजह से जो होती है वो उसका मेजर रीजन है कि आपका जो बॉडी रेस्ट पे है उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसको नहीं लगाना पड़ेगा। आप बस इसका एग्जांपल ऐसे ही समझ लीजिए, इंटरलॉक करना मतलब क्या है कि आपने वो मशीन देखी होगी सुई धागे वाली। ओके, तो सुई समझो आपकी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, उसमें आप लोग धागा डाल पाओगे क्या इजिली? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो वैसे ही ये इंटरलॉक जो है वो नहीं हो पाता है और इसीलिए आपका मूविंग ऑब्जेक्ट को ही अगेन वापस से भेजने में आपको जो है वो ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी। ओके,
ओके, तो ऐसा इसके बारे में है, फ्रिक्शन के बारे में है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने जस्ट आपको बता दी। तो ये इंटरलॉकिंग को ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द, इज दैट द रीजन व्हाई व्हील्स आर सर्कुलर एंड इंटरलॉकिंग इज लेस? एग्जैक्टली, ओके, बिकॉज तुम जितना सरफेस जो है वो कम रखोगे उतना तुम्हारा इंटरलॉकिंग कम होगा, ओके, और उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। लेकिन एकदम स्मूथ व्हील्स भी तुम नहीं लेके जा सकते, बिकॉज यू ऑल्सो रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग, सो दैट, ओके, सो दैट ये स्लिप ना हो तुम्हारे टायर्स वगैरह। तो इसलिए तुमको उसमें ग्रूव्स मिलेंगे, ओके, जो टायर जो होते हैं उसको हम लोग ग्रूव्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो एड होते हैं उसको हम ग्रूव्स बोलते हैं या स्केल्स बोलते हैं, कुछ प्रॉपर जो साइंटिफिक वर्ड है ये ग्रूव्स होता है, इसको ग्रूव्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेस इन द कॉन्टैक्ट, इवन दोज सर्फेसेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इररेगुलरिटीज ऑन देम। तो भले ही अपने को लगे कि ये टेबल जो है वो इररेगुलर नहीं है, बट वो इररेगुलर होता है, ओके, एंड व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सर्फेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। ऑन रफ सर्फेसेस देयर आर a large number of irregularities, so the force of friction is always greater if the rough surface is involved, okay, why, because interlocking would be greater। aur isiliye fir agar yahan pe hum log ek thoda sa rough paper agar leke aaye aur ye cell ko agar is location se is location pe bheje to ye cell aapka just idhar tak hi jayega, but wahi aapka is wale scenario mein, because idhar mein interlocking aapki kam hogi isliye zyada dur jane wala hai। to ye experiment bachcho ne yahan pe kiya hua tha, jo ki aap logo ne bhi bachpan mein kiya hoga। Okay. तो यही वाली बात है, we see that friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces, it is obvious that force of friction will increase if two surfaces are pressed harder, okay, and you can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on, when a mat when nobody is sitting on it and when person is sitting on it, so obviously it would be difficult। तो obvious है, इस box के ऊपर अगर किसी बंदे को बिठा दे तो क्या होने वाला है, इसके ऊपर में force और act करेगा और interlocking जो है वो और strong हो जाने वाली है, तो इसको और overcome होने में आपको और ज्यादा extra pressure जो है वो लगाना पड़ेगा। तो अब यही वाली बात जो मैंने आपको बोली कि the force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of the static friction, okay, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और रेस्ट से आपको आगे तक भेजने के लिए जो आपको फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ओके। ऑन द अदर हैंड अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो वो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी लेसर। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द contact points on its surfaces do not get enough time to lock into the contact point of the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static forces। I suppose ye wali cheez already hum logo ne is pe ekdam detail mein baat ki hai aur aap logo ko bhi ekdam clear ho gayi hai, agar ho gayi hai to y press karo। Everyone गुड, तो आई सपोज अभी आपको ये दोनों भी फोर्सेज जो समझ में आ गए और इनके मीनिंग भी समझ में आ गए हैं। मीनिंग वगैरह क्या है इनका, सिंपल है कि एक जो है वो है स्टैटिक फोर्स और दूसरा जो है वो है आपका स्लाइडिंग फोर्स, ओके। स्लाइडिंग फोर्स कब, जब आपको सिर्फ स्लाइड करना है उसको, लेकिन फ्रिक्शन जो है इट्स अ नेसेसरी एविल, एज आई सेड कि ये आपका नेसेसरी एविल ही हर बार जो है वो रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर समझो फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लोग कभी कुल्हड़ जो है उसको नहीं पकड़ पाते। अगर आपका जो भी है, समझो आपको चाय पीना है, तो चाय आपका ये आपके हाथ में क्यों रह पाता है, ये रह पाता है बिकॉज आपके हाथों से फ्रिक्शन आपके हाथ में और इस ऑब्जेक्ट के, या ये वाला जो मैं ऑब्जेक्ट लिया हूँ एसी का रिमोट मैंने लिया हुआ है, तो ये रिमोट जो मेरे हाथ में क्यों टिक पा रहा है, बिकॉज मेरे हाथों में और ये रिमोट के सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रहा है, ओके। अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो फिर ये फट से नीचे गिर जाने वाला है, ओके। वही होता है, जो चिकनी चीजें होती है उनका इंटरलॉकिंग ही नहीं होता है और वही प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए फिर ये नेसेसरी है हमारे लिए, ओके। तो अगर कुकिंग ऑयल वगैरह किसी चीज पे लगा दिया, फर्श पे अगर गिरा हुआ हो, तो इंटरलॉकिंग तुम्हारे पैरों की नहीं होने वाली और तुम लोग गिर जाने वाले, ओके। वही वाला हाथ
वही वाला हाल वेट मडी ट्रैक में होगा, ओके, या वेट मार्बल फ्लोर पे होगा, या फिर अगर हम लोग पेन या पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन ही ना हो पेज पर, चॉक से अगेन हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन ही ना हो वहां पे, तो इंटरलॉकिंग ही नहीं होगा। इनफैक्ट हम लोग जो ये जो कील जो है जब हम लोग दीवार में ठोक रहे हैं, ओके, अगर ये एक स्मूथ सरफेस होता, इतना स्मूथ इतना चिकना सरफेस होता, क्या होने वाला है, ये हर बार फिसल फिसल के इधर उधर इधर उधर चले जाने वाला, बट ये क्यों जा पाता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो सिंपल है, एविल क्यों है, बिकॉज ये तुम्हारे जूतों का ये वाला हल कर देगा। मुझे नहीं लगता आजकल ये किसी के जूतों का हल होता भी है, एनसीईआरटी को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। आप में से किसी के जूते का हाल ऐसा हुआ है क्या, किसी के जूते का इतना बुरा हाल हुआ है क्या और फिर आपको जूता छोड़ना पड़ा, नी लिखो अगर किसी का हुआ है तो। सो वी ऑल, आजकल जूता या तो फट जाता है ऊपर से ही और फिर उसके बाद में हम लोग उसको छोड़ देते हैं, यस। बट एनीवेज, एनसीईआरटी का बोलना है कि ये हाल जो है वो तुम्हारे जूतों का हो सकता है, सो इट वेयर्स आउट, ओके। और इसलिए फिर ओके, चाहे वो आपका स्क्रू हो, चाहे बॉल बेयरिंग हो, सोल ऑफ शूज हो, और इसके लिए फिर ये जो है वो हमारा एविल है। तो हर एक चीज के लिए आपको फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो नेसेसरी बट एविल, ओके। अब अपने को इवन फ्रिक्शन जो है ये इवन हीट भी आपकी जनरेट कर सकता है, जब आप लोग इसे पाम जब रब करते हो तो आपका हीट जनरेट होता है, या फिर जो मैचस्टिक से हम लोगों ने देखा था, मैचस्टिक में याद है क्या आप लोगों को, हम लोग कौन कौन से फास्फोरस वगैरह यूज करते थे उसमें, और फिर कैसे उसमें ग्लास वगैरह भी यूज किया जाता है, और कैसे ये सब करते हैं, आई सपोज सब लोगों को वो सब याद होगा, गुड, ओके। तो ये सब चीजों में आपका कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर अब हमको जो है वो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पे काम करना है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमको पता चल गया कि फ्रिक्शन क्या है, कौन से डायरेक्शन में काम करता है, अब अपने को पता करना है कि इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें और कैसे कर सकते हैं हम लोग, ओके। और अब कहीं कहीं पे अपने को फ्रिक्शन जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे डिक्रीज करना पड़ेगा। कहाँ इंक्रीज करना है, तो जहां पर भी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकना है या फिर आपको अच्छे से चलना है, उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करना होगा। जब आप कैरम वगैरह खेल रहे हो तो उस टाइम पे आपको फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस करने के फिर आपके पास में अलग अलग मेथड होने वाले हैं, ओके। तो उन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, तो सोल ऑफ शू इज ग्रूव्ड, ओके। तो ग्रूव क्यों होगा तुम्हारे सोल ऑफ शूज पे, ताकि फ्रिक्शन बढ़े, या फिर टायर पे भी आपके ग्रूव्स जो है वो बनाए होते हैं ताकि हम लोग जो है वो एक इनफ अमाउंट का प्रेशर या सॉरी इनफ अमाउंट का फ्रिक्शन जो है उस पर जनरेट कर सके। इट इज डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। सिमिलरली ट्रेडेड टायर्स, ओके, ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स, ओके, प्रोवाइड बेटर ग्रिप टू द ग्राउंड्स। तो ये सब बेटर ग्रिप के लिए हम लोगों को जो है वो फ्रिक्शन की जरूरत होती है। वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स, ओके, इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल। ऐसे ही आपने देखा होगा, ओके, कबड्डी जब हम लोग खेलते हैं, आपने से कितने लोग हैं जिन्होंने कबड्डी खेली हुई है, कभी लाइफ में कभी ना कभी खेली हुई है, ओके। तो आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले को पकड़ने के लिए मिट्टी जो है वो लगाते हैं अपने हाथों में। मिट्टी क्यों लगाते हैं, ताकि उसको पकड़ सके हम लोग, और वो अगला वाला बंदा क्या है, वो तेल लगा के आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली ग्रिप के लिए। अगला वाला बंदा भी बराबर तेल लगा के आएगा, और अपना काम है कि वो तेल को भी हम लोग कैसे रेजिस्ट कर सके। तो इसके लिए हम लोग जो कबड्डी में अगेन मिट्टी वगैरह ऐसे लगाते हैं, ओके। इवन जिमनास्ट जो होते हैं तो वो भी ऐसे कोई ना कोई पाउडर वाउडर जो होगा तो वो लगाते हैं, आपने देखा होगा जो भी वेट लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, ओके, उन लोग ऐसे पाउडर वगैरह लगा के आते हैं ताकि फ्रिक्शन जो बढ़े। लेकिन ऐसे ही हम लोग जो है वो किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में हम लोग पाउडर लगाते हैं ताकि हम लोग फ्रिक्शन रोक सके, और बेस्ट एग्जाम्पल है कैरम, ओके। सो व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ द डोर, बिकॉज, या फिर ग्रीस लगाते हैं हम लोग इन द मूविंग मशीन पार्ट। रीजन इज सिंपल, ताकि हम लोग जो है उसका फ्रिक्शन किसी तरीके से कम कर सके, ओके? तो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके कौन कौन से, अब आप लोग मुझे बताओ फ्रिक्शन को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं? हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, इंक्रीज द फ्रिक्शन में सिंपल है, ग्रूव लगा दो, यस, वन इज ऑयलिंग, सेकेंड इज वॉट, ऑयलिंग ग्रीजिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजली लुब्रिकेंट्स वगैरह, ठीक है, कैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह डालना। बट एक चीज मुझे जाननी है, देखते हैं वो कौन बताएगा मुझे, हो गया ऑयलिंग ग्रीजिंग लुब्रिकेंट्स हो गए, पॉलिशिंग
ठीक है, बट स्टिल नॉट द राइट आंसर. कम ऑन गाइस, कौन है ऐसा बंदा? मैंने कहीं ना कहीं हिंट में उसकी बात आप लोगों के साथ में मैंने कर ली है. चलो हिंट चाहिए आपको, एक और बार हिंट चाहिए. यस ओके. सबसे ओके, जितने भी शेप्स होते हैं आपके ओके, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, या फिर आपका स्फीयर हो, सबसे एरिया कम किसका होता है? इन सब में सबसे एरिया कम किसका होगा? एग्जैक्टली, सरफेस एरिया सबसे कम किसका होने वाला है? सर्कल नहीं, स्फेरिकल. ओके, तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है उसका सबसे एरिया कम होगा. और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि फ्रिक्शन में क्या मैटर करता है, आपका एरिया मैटर करता है. जितना ज्यादा एरिया होगा आपका फ्रिक्शन में, उतना ज्यादा क्या होने वाला है, आपका फ्रिक्शनल इंटरलॉकिंग भी होने वाला है. तो अगर हम लोग जब टायर यूज कर रहे हैं ओके, तो उससे क्या कर रहे हैं, हम लोग एरिया कम करते हैं. तो वैसे ही ओके, वैसे ही हम लोग स्फेरिकल चीजें कौन सी यूज करेंगे जिससे हम लोग एरिया कम कर सके कॉन्टैक्ट का? एग्जैक्टली, वेरी गुड. ओके, तो जैसे अभिलाष ने लिखा हुआ है, तीसरा जो मेथड है जिससे हम लोग जो है वो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, वो है बॉल बेयरिंग्स. ओके, बॉल बेयरिंग्स में क्या होता है, आपने किसी ने खोल के देखा क्या बॉल बेयरिंग्स, या इवन साइकिल में वगैरह आपने देखा होगा उसमें बॉल्स वगैरह जो है वो डाले हुए होते हैं. तो जहां पर आपका ऐसे जॉइंट पार्ट्स जहां आते हैं, जहां से आपको ऐसे करना होता है, उस सब जगह पे हम लोग जो है जानबूझ के बॉल बेयरिंग डालते हैं. Why? Because सबसे अगेन इस चीज को याद रखना है, सबसे कम जो है वो एरिया किसका होगा, आपके स्फीयर का होगा. एंड स्फीयर का एरिया सबसे कम होने के बाद में आपका टच सबसे कम होगा. टच सबसे कम होगा तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रिक्शन सबसे कम होगा, और इसलिए उसकी लाइफ लाइफ स्पैन जो है वो हमेशा बढ़ी हुई रहने वाली. और इसे हम लोग जो बॉल बेयरिंग यूज करते हैं. कम ऑन गाइस, बॉल बेयरिंग का लॉजिक सबको समझ में आया है? वाई लिखो. I did not get Shari, क्या बोल रहा है? तो अब when oil, grease और graphite, याद रखना, graphite के बारे में किसी को पता नहीं होता है, हम लोगों को ये सब पता है, oil है, grease है, या फिर graphite is applied between the moving part of the machines, a thin layer is formed. Okay, there and moving surfaces do not directly rub against the each other. Interlocking of irregularities is avoided to great extent and moving becomes smooth. The substances which reduce friction are called as the lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oil as a lubricant, and air cushion between the moving part is used to reduce the friction. तो हम लोग जो है वो अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं. सर, इन कार्स एंड बोट्स वी यूज स्ट्रीमलाइन शेप ओके टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. यस यस यस, उस पर भी हम लोग आने वाले हैं शरीक, उस पर भी हम लोग आएंगे. ओके, तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो मैटर्स. तो एनीवेज, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो क्या होता है जब आपका लुब्रिकेंट हम लोग जब डालते हैं, तो पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटरलॉकिंग हो जाता है और ये लॉक हो जाएगा. ओके, बट जब मैं इसमें एक लुब्रिकेंट जब डालता हूं, तो लुब्रिकेंट क्या करता है, सिंस ये आपका लिक्विड है, तो लिक्विड होने के बाद में क्या होगा, ये जब बीच में आएगा, इसको ये वाला शेप लेना है, ये वाला शेप ले लेगा, और ऐसे जो है वो इसका शेप ले लेता है. तो फिर ये कहीं पर भी ओके आपको ऐसा आभास देता है, ये दोनों भी एकदम स्मूथ है. ओके, वर्चुअली एकदम स्मूथ है, और इसलिए फिर इनके अगेन रबिंग से भी कोई भी ज्यादा जो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होने वाला. तो इसीलिए हम लोग जो लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं. कम ऑन गाइस, ये वाला फंडा सबको समझ में आया है क्या, कि एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट कैसे काम कर रहा है बीच में ही, कैसे वो इररेगुलरिटीज पे काम करता है? और यस, जितना अच्छे से समझ में आया उतना वाई प्रेस किया करो. गुड, सो दैट वाज अबाउट इट. अब हमारे पास में मेथड्स क्या है, तो एक तो है हम लोग व्हील्स यूज करते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. लगेज फिटेड विद द रोलर्स, तो ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन कम होगा, और इसको हम लोग यूजली एकदम कम कर पाते हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज द रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल रादर देन स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. Okay, तो ये वाली बातें ऑलरेडी हमको पता है. तो सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय द रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूज ऑफ द बॉल बेयरिंग. अ कॉमन एग्जांपल आर यूज ऑफ द बॉल बेयरिंग बिटवीन द हब्स एंड एक्सल्स ऑफ द सीलिंग फैन या फिर बाइसाइकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो आप सबने ये ऐसे बेयरिंग्स जो है वो देखे होंगे. आप लोग यहाँ पे ये मोटर में या फिर ये फैन है, फैन के मोटर में या फैन के इधर में आप लोग ऐसे बेयरिंग देख रहे हो जिसमें ये आपका ऐसे इधर में है और फिर इसके अंदर में आपको ऐसे छोटे 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 जो है वो बॉल दिखाई देंगे. तो इसीलिए हम लोग इसको बॉल बेयरिंग बोलते हैं. ओके, ताकि यहाँ पे जब इसको रोटेट वगैरह करना होता है वो इजिली यहाँ पे रोटेशन अपनी कंडक्ट कर सकता है. सबको ये वाली चीज समझी? ओके, जिसपे हमने जस्ट अभी बातें की हुई है, ये रोलिंग फ्रिक्शन. तो अभी तक हमने कौन कौन से टाइप के फ्रिक्शंस देख लिए हैं? तो एक तो हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट कर रहा होगा. दूसरा है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, तो सबसे ज्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और तीसरा जो है वो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, और रोलिंग फ्रिक्शन इवन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है. तो ये तीनों हमको समझ में आ गए हैं. और दूसरी बात, एक और चीज हमने यहाँ पे जो सीखी है जो यूनिक है, हमको ऑयल ग्रीस वगैरह पता है बट अपने को ग्रेफाइट के बारे में नहीं पता होता है. अभी इवन मेरे लिए भी ये नया ही था. ओके, कि ग्रेफाइट को हम लोग जो है वो फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. तो सब लोग ग्रेफाइट टाइप करो. Everybody type graphite. Done. ग्रेफाइट के बहुत सारे यूसेज है गौरव. अब हम लोग जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले I don't remember it. ओके गौरव, सिंपल बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता. ओके, मुझे थोड़ा ढूंढ के आना होगा, अगली बार ढूंढ के अच्छे से आंसर दूंगा. गलत आंसर मुझे नहीं देना है, बिकॉज सबसे बड़ा पाप अगर कोई एक टीचर कर सकता है तो वो गलत आंसर देना है. इट्स बेटर टू से आई डोंट नो, मैं आपको अगली बार बता दूंगा. फ्लूइड फ्रिक्शन. ओके, तो फ्लूइड फ्रिक्शन, तो अब मेरा क्वेश्चन है, फ्लूइड हम लोग किसको बोलते हैं? फ्लूइड किसको बोलते हैं? कम ऑन गाइस, एयर को, गैस को, सॉरी गैस को या फिर लिक्विड को या फिर बोथ? लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया. यस, ओके, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिएगा. फ्लूइड मतलब दोनों भी चीजें आती हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे जो भी मैकेनिकल इंजीनियर होंगे उनको पता ही होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में गैस एज वेल एज लिक्विड दोनों को भी कंसिडर किया जाता है. ओके, सो एवरीबडी टाइप एल प्लस जी ओके इज इक्वल टू फ्लूइड, ताकि भूलो नहीं एवरीवन. एंड एज आई सेड, सबके नाम मुझे याद रहते हैं धीरे धीरे, मतलब. तो विवेक, वेरी गुड. वैष्णवी, बेल, अंकिता, आदित्य, शगुफ्ता, यश, मुस्कान, गौरव, ज्योति, संतोष, गौरवी, अभिलाष. ठीक है, अब आते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पे. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका फ्रिक्शन जो है वो उसी तरीके से काम करता है. तो अब तक हमने जो भी देखा वो सॉलिड्स में हम लोगों ने फ्रिक्शन देखा और उसमें कैसे इंटरलॉकिंग वगैरह हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि लिक्विड्स में या इन सब में होता ही नहीं है? आंसर इज, इसमें भी आपको अलग ही टाइप का फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है वो शेप पर डिपेंड करते हैं. तो इसके पहले अभी शरीक जो बातें कर रहा था तो वो यही बातें हैं, शेप वाली बातें. तो यू नो, एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज कॉल्ड एज द फ्लूइड. ओके, सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इन द मोशन थ्रू देम. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड एज द ड्रैग. जल्दी से सब लोग लिखो. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स फॉर फ्लूइड ओके इज इक्वल टू ड्रैग.
जिसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं। तो ये आप लोग अगर थोड़ा सा अगेन आप में से अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह हो तो उन सबको पता होगा कि ड्रैग क्या होता है। ही इज ड्रैगिंग मी, ड्रैग मतलब जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इन द फ्लूइड है। अब द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि आपका जो ड्रैग जो है ओके या फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है? तो एक तो स्पीड डिपेंड करता है, और स्पीड क्यों बोला यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड की बात की हुई है। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या कि अगर एक चीज आपका समझो पानी आपका तेजी से बह रहा है और इस बहते हुए पानी के अगेंस्ट में आप लोग जा रहे हो, और दूसरा जो है वो आपका जो है वो एक है कि रुका हुआ पानी आपका स्टिल वाटर है और इसमें अगर आप लोग जा रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें ये फ्लूइड का ओके या फिर ये लिक्विड का स्पीड जितना होगा उसके अगेंस्ट में तुमको जाना होगा, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होने वाला है, तुमको जो है वो ड्रैग जो है वो ज्यादा लगेगा और इसमें जो है वो ड्रैग जो है वो कम लगने वाला है। तो सबको ये वाली चीज समझ में आ रही है क्या कि फ्लूइड की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ड्रैग तुम्हारे ऊपर कितना लगने वाला है? यस, ओके। एंड सेकेंडली फिर ये डिपेंड करता है कि शेप पर भी। तो अगेन जानबूझ के बर्ड्स जो है उनका शेप ऐसा होता है ताकि उन लोग जो है वो कम से कम फ्रिक्शन अगेन जनरेट कर सके। तो ऐसी जो बॉडी की शेप, ऐसी जिस बॉडी का शेप होगा उधर में फ्रिक्शन हमारा कम लगेगा। तो ये फ्रिक्शन स्पीड एज वेल एज शेप दोनों पर भी डिपेंडेंट है। ओके, और ये साइंटिस्ट को हिंट कहां से मिलती है? नेचर से, जिसमें बर्ड्स या फिर फिशेस से हम लोग सीखे हैं। तो बर्ड्स एंड फिशेस से हम लोग सीखे हैं कि एग्जैक्टली बॉडी का शेप जो है वो क्या रखना है अपने को जब फ्लूइड में अपने को इन बॉडीज की मूवमेंट करवानी है। सो गाइज, हम लोगों ने फ्रिक्शन का पूरा कंसेप्ट जो वो सीख लिया, जिसमें हमने बॉल बेयरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, उसके बाद में फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट्स, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आप सबको समझ में आया है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे थम्सअप नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, आप लोग वाई टाइप कर सकते हो। और हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पर फिर। फ्रिक्शन ओपोजेस द डैश बिटवीन सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जल्दी से, वेरी गुड। ओके, तो विवेक ने सबसे पहले आंसर दिया है मोशन। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द सर्फेसेस। नेचर से बेटर इररेगुलरिटी, ओके, या इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग सही है, यश ने आंसर दिया है फास्ट। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, गुड। ओके, तो हीट का आंसर आई थिंक मुस्कान ने फास्टेस्ट दिया हुआ है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, विवेक, वेरी गुड। एंड लास्टली स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, आई थिंक अगेन विवेक ने दिया हुआ है। ओके, तो विवेक इस राउंड का विजेता है। यहाँ पे बताओ मुझे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला हुआ है, जल्दी से ABCD, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिन जिन लोगों ने आंसर सी लिखा है वो सब करेक्ट है, और अंकिता ने उसका आंसर फास्ट लिखा हुआ है। ओके, तो सी इसका राइट आंसर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैटिक सबसे ज्यादा है, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग है। ओके, आगे ये जान दो, ये सब छोड़ दो अभी। हम लोग आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है साउंड। ओके, तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप तक, या फिर इवन आप लोग अगर कभी कुछ बोलोगे तो ये सब चीजें जो है वो हमारी क्यों पॉसिबल हो पाती है, इट इज बिकॉज ऑफ द, यस मुस्कान, डिक्रीजिंग बोला है ना, तो सबसे पहले स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद में क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बोला है, स्टैटिक सबसे ज्यादा है, फिर डिक्रीज करना है अपने को, तो डिक्रीज में स्लाइड जो है वो कम आएगा। ओके, और फिर और डिक्रीज करना है तो रोलिंग सबसे ज्यादा आएगा। यस मुस्कान, गुड। बाय द वे, इस वाले राउंड का विजेता हमारा विवेक है, क्योंकि विवेक ने सबसे ज्यादा आंसर दिए थे। गुड विवेक, अब आते हैं हम लोग साउंड पर। ओके, तो साउंड जो है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये सब
तबला, तबला, हारमोनियम, सितार या फिर बांसुरी, ओके, ये सब जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। बट मुझे अब आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, व्हाई दिस साउंड इज पॉसिबल, साउंड जो है वो क्यों पॉसिबल हो पाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। वेरी गुड, ओके, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, गौरव ने और एडिशन हमको करके दिया है। तो सबसे प्राइमरी रीजन जो होगा वो होगा वाइब्रेशन, ओके, तो हर एक चीजें जो है वो वाइब्रेट करती है। एंड दूसरी बात, इसमें आपको एक मीडियम भी रिक्वायर्ड होता है, तो मीडियम में कौन सा चाहिए आपको, सॉलिड चाहिए, गैसियस चाहिए, लिक्विड चाहिए, कौन कौन से मीडियम में ये प्रोपोगेट करता है? गुड, ऑल मीडियम्स, ओके, ऑल मीडियम, सारे के सारे मीडियम्स में ये प्रपोर्ट करता है। साउंड वेव जो है वो हमारी सारे मीडियम के थ्रू जाती है। और दूसरा जो है वो है, अगर ये जो है वो वैक्यूम में जा सकता है क्या, साउंड कैन साउंड ट्रेवल इन टू द वैक्यूम, व्हाट अबाउट लाइट, कैन लाइट ट्रेवल इन द वैक्यूम, यस, ओके, लाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल करके आ सकती है। इनफैक्ट आज हम लोग अगर हमारे अर्थ और सन के बीच में अगर हम लोग देखें तो पूरा पूरा क्या है, वैक्यूम है, बट वो वैक्यूम से भी लाइट ट्रेवल करके आ ही रही है, ओके, बट ऐसा साउंड के लिए नहीं होता है, साउंड जो है वो वैक्यूम से नहीं जा सकता, तो साउंड को हर बार कोई ना कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। चलो अब ये इस चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ओके, देखते हैं कौन कौन मुझे बता सकता है। हमारी आवाज जो है, ओके, सर्दियों में दूर तक सुनाई देगी या गर्मियों में, विंटर और समर, हमारी आवाज में, यहां से एक बंदा जो है वो ए से चिल्ला, ए बंदा जो है वो यहां से चिल्ला रहा है, ये यहां तक चिल्ला रहा है, यहां तक है, ओके, तो सर्दियों में ज्यादा आवाज जाएगी या गर्मियों में, ठीक है, रीजन अपने अपने रीजंस भी दो, जो भी विंटर लिख रहे हैं विंटर का रीजन दो, जो भी समर लिख रहे हैं समर का रीजन दो, और पहले W लिखना अगर विंटर विंटर का रीजन दे रहे हो तो, और समर लिखना, S लिखना अगर समर का रीजन दे रहे हो तो। Let me just know. Okay. Simran, your S is for सर्दी और समर, ओके, बट दैट कैन नॉट बी द रीजन, विंटर बिकॉज मॉलिक्यूल सेटल डाउन व्हेन इट्स द कोल्ड एंड हेंस गुड, विंटर बिकॉज समर द एटमॉस्फेयर इज हीटेड व्हिच मेक्स मॉलिक्यूल्स फार अवे एंड वाइब्रेशंस आर लेस। वेरी गुड, यश ने एकदम बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है। देखो सिंपल है, आपका एयर जो है वो समर में होगा रेयर, तो रेयरर एयर, और दूसरा होता है डेंसर एयर, ओके, तो विंटर में क्या होता है, विंटर में आपकी एयर जो है वो डेंस हो जाती है ठंड की वजह से, तो एकदम पास पास में इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और पास पास में मॉलिक्यूल्स का फायदा क्या है कि फिर इसमें से इन मॉलिक्यूल्स को अगर यहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं तो ये ट्रेवल फास्ट करते हैं और दूर तक चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा आपके मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होने की वजह से फिर विंटर्स में जो है वो आपको दूर तक आवाज सुनाई देती है, ओके, वही अगर हम लोग समर में देखें तो सिंस यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल जो है वो रेयर होंगे इसलिए दूर तक आवाज नहीं जा पाती है। तो आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा, जिन जिन लोगों ने समर लिखा हुआ आंसर उनको समझ में आ गया कि विंटर जो है उसमें अपने को दूर तक आवाज की जाती है। कम ऑन सिमरन, गुड, ठीक है, चलो अब इतनी सारी बातें करने के बाद में अब एग्जैक्टली देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सो हाउ डू यू कम टू नो दैट पीरियड इज ओवर इन द स्कूल, या फिर डोर, या फिर आपके डोर पे कोई नॉक वगैरह हुआ, या डोर बेल वगैरह बजी, या कोई फुटस्टेप वगैरह आपके पास में आ रहे So it is because of the sound, okay? All because of the sound. And sound का अपने लिए खास बात क्या है? That sound helps us to the communicate. अब आपको इसी में, okay? इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, okay?
Am I audible and visible? Am I audible, visible? Come on, guys. थोड़ा सा network destabilize हुआ था मेरा. Hello everyone. Am I audible and visible? Okay. ठीक है. तो मैं आपसे कुछ तो पूछने वाला था और अब ये बीच में ही मैं भूल गया. क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? सडनली मैंने कुछ बोला था कि मैं क्या पूछ रहा हूं. हाँ चलो समझ गया. मुझे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन. मतलब व्हाट इज द एक कैरेक्टरिस्टिक जिससे आप लोग क्लियरली ह्यूमन को और एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हो. कौन सी है वो कैरेक्टरिस्टिक, ये मैं आपको इवन जब मैं पॉलिटी सिखाऊंगा उस टाइम पे बताने वाला हूं. सेंस, थिंकिंग एबिलिटी. ठीक है. इंटेलिजेंस, ब्रेन पावर. एनिमल हियर, ह्यूमन लिसन. बहुत ही तुम लोग फिलोसॉफिकल हो. अरे थिंकिंग एनिमल्स के पास में नहीं है क्या? थिंकिंग एनिमल में क्या, एनिमल के पास में नहीं है क्या? आप कोई एकदम आग लेके जाओ, देखो एनिमल कैसे वहां से भागता है या नहीं भागता है. इसका मतलब उसके पास में थिंकिंग तो है ही ना. सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी अगेन सिमरन मौजूद है. ओके एनिमल्स को समझता है कि मेरा बच्चा कौन सा है और इसका बच्चा कौन सा है या और किसी का बच्चा कौन सा है. तो एनिमल्स वो भी कर सकते हैं. ठीक है. आकाश थोड़ा सा सिमिलर आया हुआ है और उसको हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज नहीं बट इट इज अबाउट द स्पीच. ओके तो कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है ओके या कोई भी एक ऐसा एनिमल नहीं है जो ऐसे हमारे यू नो इमेजिनेशन वगैरह क्रिएट करके ओके उसकी स्पीच वाली एक्शन जो है वो क्रिएट करके आप लोगों का सारे सारे एनिमल्स को यूनाइट कर सके. इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस ओनली. ओके मेन में ही ये प्रेजेंट है या वुमन में ही ये प्रेजेंट है. तो स्पीच एंड खास करके इमेजिनेशन की पावर ओके यही सिर्फ मैन एंड एनिमल को जो वो डिस्टिंग्विश करती है. बाकी आप सारे की सारी चीजें, आप इमोशंस की बोलो इनमें भी है, आप थिंकिंग की एबिलिटी बोलो इनमें भी है, और भी आप लोग बोलो बाकी चीजें, लैंग्वेज या अगेन इनको कम्युनिकेशन के मेथड है वो भी इनमें आपको मिलेंगे. घर इन लोग बनाते हैं क्या, इन लोग भी बनाते हैं. भले ही कैसे भी एकदम इजी फॉर्म के, एकदम स्मॉल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिमिटिव फॉर्म के इन लोग घर वगैरह बनाए, बट ये सब काम जो है वो एनिमल्स भी कोई ना कोई करता है. बट एक काम इन लोग नहीं कर सकता. बिकॉज आपने कभी सुना है क्या कि एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड यू यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट द बनानास. कि सारे बंदरों तुम लोग सब इकट्ठा हो जाओ और फिर हम लोग जो है वो अगले बंदरों के साथ में लड़ाई करके मे बी स्वर्ग वगैरह में जाने वाले हैं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज पॉसिबल ओनली इन द ह्यूमंस. और ह्यूमन जो है उनको ये फंडामेंटल, और इसीलिए हमको फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों मिला हुआ है. ओके बिकॉज दिस इज वॉट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम this is what distinguishes us from the animals and that is this speech. okay to ye speech ho gaya to yahi apne ko distinguish karti hai. to ye hum log polity mein pakka dekhenge article 19 ke under mein. okay to ab sab log agree karte ho kya ki ye imagination aur ye speech ki power sirf hamare paas mein unique hai, animals ke paas mein nahi hai. to agli baar aapke liye aur acha answer hai agar koi aisa sawal puche to aap log bindaas unko jawab de sakte ho. तो अभी अगर आपके पास है फ्री टाइम होता है ना, मैं आपको एक बुक रेफर करने बोलूंगा और वो है सेपियंस. जिससे भी हो सके सेपियंस बुक पढ़ना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को. साइंटिफिक बुक है प्लस जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेने वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल होगी. बट मैंने भी ये बुक पढ़ी है और पूरा पूरा मेरा लाइफ चेंज कर दिया. गुड अभिलाष. ओके और ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन जाओगे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी इसकी, तो देख लो. एनीवेज तो म्यूजिक रूम वगैरह, तबला, फ्लूट, ये सब जो है वो चीजें कैसे बजती हैं? बजती है ये सब बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन. ओके सो इट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन दैट दीज साउंड्स आर मेड.
तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द वाइब्रेशन। तो आपने ये वाइब्रेशंस देखे भी होंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम मारने जाओ तो उसमें आपको ऐसे वाइब्रेशन वो हिलते हुए दिखेगा। ग्लास वगैरह अगर आप देखो, ओके, ग्लास है आपकी स्टील की, वो स्टील की ग्लास लो, उस पर चम्मच वगैरह मारो, ओके, तो या तो तुम्हारी मम्मी तुमको मारेगी कि ये क्या किया जा रहा है, और या फिर आपका एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप मुझे बताओ, आप अगर आपके घर पे ऐसा करने लगो, एक रस्सी से आपने अपना कुकर उकर लटका दिया है, घर पे क्या होने वाला है आपके? यस, मेरी मम्मी तो बोलेगी तेरे एक्सपेरिमेंट जो भी करना स्कूल में करिए, घर पे मत करो। एनीवेज, बट एनसीईआरटी इज फनी। यस, मम्मी मार मार के हमें ही वाइब्रेट करवा देगी। एग्जैक्टली, तो तो ऐसे वाइब्रेशन जो है वो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ओनली। सो सिंपल है, इसी चीज को याद रखना। बाकी ये वाला इंस्ट्रूमेंट का कोई नाम बता सकता है क्या? वैसे इसमें लिखा हुआ है, बट फिर भी इस वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? अपने राजस्थान के बहुत सारे फोक म्यूजिक में वगैरह सुना होगा, इसको एकतारा बोलते हैं। ओके, तो ये एकतारा हो या फिर आपका ये मटका हो, ओके, ये सब जो है इसको एक्चुअली मटके को प्रॉपर वर्ड जो है वो है गतम। तो ये आप लोग जब आर्ट एंड कल्चर वगैरह पढ़ने वाला तब आपको समझ में आएगा। तो इसको हम गतम बोलते हैं। तो ये गतम, और उसके बाद में आपका ये एकतारा या फिर आपके मंजीरा, ये सब जो है ये साउंड, या फिर तबला बोलो, वीणा बोलो, ये सब जो है वो आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन, ओके, प्लस आप लोगों का जो पूरा पूरा साउंड बॉक्स जब वाइब्रेट करता है तो उसके बाद में ये सारे के सारे साउंड जो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कहीं पर भी आप देखो, हर एक एग्जाम्पल में साउंड इज ओनली द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृदंगम, ओके, तो मृदंग पे जब हम लोग बजाते हैं, गौरव इज टेलिंग मी कि वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट केस? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है गौरवी, एक बार रिफ्रेश कर लेना बस। तो ये मृदंगम जो है, तो वो हम लोग जो पूरा पूरा इसका फिर सुनते हैं। समवंस माइक इज ऑन, ओके, आई डोंट चेक दैट, प्लीज गाइज आप लोग अपना ध्यान रखा करो इसमें। कोई भी अपना माइक जो है, आरुषि प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। यस, आरुषि कभी भी अपना माइक ऑफ नहीं कर रही है। आरुषि है सिर्फ एक ही जिसका माइक जो है वो ऑन है। आई थिंक अभी ठीक होगा, अभी किसी का माइक ऑन नहीं है ना? गुड, सो बिकॉज मैं मेरा लैपटॉप जो है वो म्यूट पे रखता हूं, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता। एनीवेज, सो वी वर ऑन दिस टॉपिक कि ये इकतारा या फिर आपका मृदंगम, गतम, ये सब जो है वो आपका साउंड जो है वो क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन सिर्फ इसी का नहीं, तो आपके पूरी पूरी जो एंटायर जो बॉडी है उन सब चीजों का वाइब्रेशन होता है, और इसलिए फिर यहाँ पे आपका ऐसे होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो ये है आपका साउंड जो है जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका रीजन। तो सिंपल है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अपने को इससे क्या सीख के लेना है? अपने को सीख के लेना है, अपने को अगली बार अगर आपको, क्योंकि यूपीएससी देखो आपसे क्या पूछने वाली है, आपसे ये नहीं पूछने वाली कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड होता है क्या। आपको ये सब चीजें सीखनी है कि इकतारा किसको बोलते हैं एग्जैक्टली, ओके, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इकतारा बोलते हैं, इसको हम लोग मंजीरा बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग ऐसे ऐसे बजाते हैं। देन हमारा ये है गतम, गतम मतलब ऑलमोस्ट मटके जैसा ही है, ओके, तो ये सब जो है, या फिर नूट हो गया, नूट भी आपका जो मड पॉट्स हो गया, या फिर करताल हो गया, तो ये सब जो है वो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये आपको आर्ट एंड कल्चर में कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो इसको ऐसे यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। फिर ऐसे ही हम लोग जो है वो अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे जब ये वो आपके जो ग्लासेस में पानी कितना भरा हुआ, उसके ऊपर से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हो, डिफरेंट साउंड भी जनरेट कर सकते हो, बिकॉज सबकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग हुई है, और वो अलग अलग साउंड अपने को सुनाई देता है। ओके, अब हम लोग आते हैं कि ह्यूमंस जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात, तो एक होगा हमारा प्रोडक्शन का मुद्दा, और दूसरा होने वाला है ऑब्वियसली कंजम्पशन का मुद्दा, तो मतलब हमको साउंड जो है वो कैसे सुनाई देता है। तो दोनों भी चीजें हम लोग एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक,
है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे बॉडी में टू वोकल कॉर्ड्स होती है, याद रखना, दो जो है वो वोकल कॉर्ड होती है, एक इस तरफ से ऐसे आ रही है और दूसरी आपकी इस तरफ से ऐसे आ रही है। तो ऐसे ये आप लोग जो देख रहे हो ये है आपकी वोकल कॉर्ड जो आपके विंड पाइप के जस्ट बीच में होती है। ये कैसे होती है, मतलब मैं आपको अगर बताऊं, ये ऐसे वोकल कॉर्ड है समझो, और ये वाली जो ऐसे आवाज आ रही है आपकी, ओके, तो ये जब ऐसे मतलब इस विंड में से ही आपकी आवाज जो है ऐसे बाहर निकलती है और इसके वजह से आपको जो सुनाई देता है, ओके, ये हम लोग वॉइस जो जनरेट कर पाते हैं। तो आप लोग देख रहे हो एकदम पतली सी इसमें ओपनिंग होगी और उसकी वजह से आपको ऐसे सुनाई देगा। तो आप लोग खुद पे घर पे भी ऐसा कर सकते हो कि अगर आप ऐसे दो जो है वो पेपर क्लिप्स या ऐसे आप लोग पेपर ले लो, उसके बीच में से अगर आप हवा पास करने की कोशिश करोगे तो आपको एक आवाज अलग से सुनाई देगी, ये आवाज होगी वाइब्रेशन की। और इसी तरीके से हमारे वोकल कॉर्ड भी काम करता है, या सेम वे में आप लोग पेपर का भी ये जो पिपानी बजाते हो तो ये भी आपके वोकल कॉर्ड जैसा ही एक्ट करता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। तो इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा लैरिंग्स है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट, सब लोग रखो, देखो तुमको वाइब्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एवरीवन, जिन जिसने बोलने के बाद में अपना वाइब्रेशन, ऑब्वियसली माइक को म्यूट करो एंड कीप योर हेड ऑन योर नेक, दिस इज लैरिंग्स। और जिस जिसको वाइब्रेशन फील हुए हैं बोलते बोलते, यहाँ पे वाई प्रेस करो। ग्रेट, ओके, सो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें तो लैरिंग्स जो है जब वाइब्रेट होता है तभी आप लोगों को ये सब वॉइस आएंगे। सो पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट, आपको भी वो वाला जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा। ओके, दिस इज वॉइस बॉक्स, इट इज अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ओके, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स in such a way that it leaves a very narrow slit open between them for the passage of the air, okay, and when lungs force air through the slit the vocal cord vibrate producing the sound। to aap log again jab aap log breathing karoge, jab breathe out karoge to us time pe jo sound aapko aa raha hai, so this is because of this, अगेन वोकल कॉर्ड के बीच में जो एक नैरो आपका ओपनिंग होगा उसके वजह से ही होने वाला है। तो अब हम लोग देखो बायो प्लस फिजिक्स दोनों भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, कि एक सिंपल है, आपकी एकदम नैरो ओपनिंग होने वाली है और ये नैरो ओपनिंग में से जब विंड जब हम लोग पास करते हैं तो फिर आपको ऐसे आवाज वगैरह जो है वो सुनाई देती है। ओके, सो ऐसे ही आपकी सारी की सारी चीजें काम करती है। पिपानी वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो अगर करना है तो, बाकी इतना याद रखना द वोकल कॉर्ड। अब अपने को हम लोगों ने इसके पहले सुना हुआ था कि मेन एंड वुमन एंड चिल्ड्रन के वॉइसेस में जो वो डिफरेंस होता है, मेन की वॉइस जो होती है ओके, तो ये ज्यादा डीप होती है और इनकी वुमन की जो वॉइस होती है वो ज्यादा आपकी पिच होगी, मतलब क्या, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी हाई होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी ओके, लेकिन इनकी वॉइस जो वो डीप होगी। और ऐसे ही चिल्ड्रन की अगेन इनकी भी आवाज थोड़ी सी अलग होती है। और ये सब डिफरेंसेस क्यों होते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द तुम्हारा कितना विंड बॉक्स में कितना साइज किस चीज का है, कितने बड़े आपके वॉइस कॉर्ड्स है और कितने नहीं है। सो द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, तो ये 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। एंड इन वुमन ओके दे आर ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर लॉन्ग, तो ऑलमोस्ट एक 5 मिलीमीटर की साइज जो है वो वुमन के वोकल कॉर्ड्स की कम होती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल वॉर्ड, और दोनों चाहे मेल हो फीमेल हो तो उनके वॉइस जो है इसलिए आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देता है बिकॉज उनकी इतनी ही जो है वो वोकल कॉर्ड होती है। सो दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ द मेन वुमन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। कम ऑन गाइज, अगर ये आपको कुछ नया सीखने को मिला है और ये नया सीख के आपको मजा आया है, आप लोग सब लोग उतने वाई प्रेस कर सकते हो जितना आपको मजा आया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में ही कितना ज्ञान छुपा हुआ है, अपने को पता नहीं होता। यस, तो अब हमको एक चीज क्या समझ में आई है कि अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई वुमन जो है ओके, कोई कोई वुमन जो होती है या कोई कोई मैन जो होता है उनकी आवाज जो है वो आपको, कोई वुमन जो होगी उसकी आवाज आपको एकदम मैन जैसे मिलेगी, या आप लोग उसको बोलेंगे मर्दानगी आवाज वाली है औरत है
ओके, या फिर औरत वाली आवाज का ये मर्द है, ऐसा आपने देखा होगा। अगर देखा है तो इसमें अगेन आपको एक चीज समझ के लेनी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस चीज का होगा, वोकल कॉर्ड के लेंथ का प्रॉब्लम होगा। ओके, अगर इसमें कभी एक आधी वुमन जो है उसकी वोकल कॉर्ड ऑलमोस्ट 20 मिलीमीटर की अगर उसकी भी हो जाती है, बिकॉज इट्स अ बॉडी, बॉडी में कुछ भी हो सकता है, तो उसकी आवाज जो है वो ऐसे मर्दानी हो जाएगी। और अगर कोई मेन है जिसका वोकल कॉर्ड अगर छोटा रह गया तो फिर उसमें आपको वुमन जैसी आवाज जो सुनाई देने वाली है। तो ये वाला चीज अगेन साइंटिफिकली मैंने आपको बता दी कि क्या होता है। ओके, देन हम लोग अब मुड़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, और नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ओके, तो कौन कौन सा मीडियम, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे बात कर ली है, बस उसी को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में अपने को पता करना है। तो साउंड के लिए अपने को मीडियम चाहिए। ओके, तो इज इट पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस इन द रिंग? आंसर इज यस। तो आपका इसमें एयर जो है वो कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा उसके बेसिस पे साउंड जो है उस पर डिपेंड करता है। तो इफ यू हैड बीन एबल टू स्ट्रक ऑल द एयर इन द टम्बलर, सक ऑल द एयर इन द टम्बलर एंड यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द वेसल, इट इज सेड एज द वैक्यूम इन द वेसल, और उसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो साउंड, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, हम सबको पता है आंसर इज यस। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, तो आप ऐसे पट्टी वट्टी कान पे लगा के देखो, ओके, तुम्हारे कान पट्टी पे लगा के देखो तो तुमको समझ में आएगा कि सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकता है। अब ये करते मत बैठना तुम लोग, ठीक है, इसको सिर्फ देख लो कि अगर ऐसे घंटी जो है वो पानी के अंदर में तुम बजा रहे हो और तुम्हारा कान ऐसे रखा हुआ है, ओके, और मेक श्योर तुम्हारा कोई नालायक फ्रेंड या नालायक भाई बहन जो है आजू बाजू में घूम नहीं रहा है, वरना तुमको भी इसी में डुबा देगा पूरा। ओके, तो ही ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना तो आपको सुनाई देगा, एंड आंसर इज यस। ओके, मतलब मैं रहा और मेरा, अगर मैं पर्सनली बता रहा हूं, अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या समझो मेरा कोई फ्रेंड ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, मतलब आई विल बी दैट पर्सन, सो आई विल बी दैट पर्सन जो आपको इसमें डुबा देगा, इसलिए बता रहा हूं। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, मतलब अगर इफ आई एम डूइंग दैट देन इवन माई फ्रेंड्स वोंट लीव मी, वो भी मुझे इसमें डुबा ही देंगे पक्का। तो ऐसा है, और ये पट्टी अगर रखी ऐसे तो यही पट्टी से इधर ही कान पे मारेंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट इसलिए सही दोस्तों के साथ में कीजिएगा। बाकी साउंड के ये भी एक और एक्सपेरिमेंट है, ओके, कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स। ओके, सो वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। ओके, इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, जो भी तुमको करनी है वो सब कर सकते हो, इवन स्ट्रिंग के थ्रू भी ये जो है वो ट्रेवल होते रहता है। So we have learned so far the object produces sound and it is carried in all the direction in a medium. The medium could be gas, liquid or sound. तो यही हम लोगों ने बस प्रूव किया है। और इसमें एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो है वैक्यूम की। और हमने ये भी सीखा है कि हमारा लैरिंज जो है वो वॉइस कैसे प्रोड्यूस करता है, इट इज थ्रू टू वोकल कॉर्ड जिसके बीच में एक नैरो सी ओपनिंग होगी, और वो ओपनिंग जब वाइब्रेट होती है देन वी आर प्रोड्यूसिंग सम और अदर साउंड। अब इसमें हम लोग जो है वो साउंड सुनते कैसे हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए, और वो सुनने के लिए आपको पूरा पूरा ईयर ड्रम पता होना चाहिए। ओके, तो जैसा ओके एक नॉर्मल सी चीज है आपका, अगर हम लोग कान देखे तो ऑलमोस्ट एकदम फनल शेप में होता है, ठीक है, फनल शेप में कान आने के बाद में यहाँ पे ऐसा होगा, और फिर यहाँ पर जो है कहीं तो भी आपका कान का पर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका ईयर ड्रम होता है। और ये ईयर ड्रम जो है इसमें फिर आपके तीन इंपॉर्टेंट हड्डियां आती है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हड्डियां ऐसे कुछ काम करती है कि वो आपके ब्रेन के बीच में सिग्नल जो है जनरेट करती है। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आपका कान है, ये कान के जस्ट इस तरफ में आप लोग जो देख रहे हो तो इसको हम लोग जो है वो कान का पर्दा बोलते हैं, और कान के पर्दे के बाद में आपकी तीन हड्डियां ऐसे लगी हुई है। और वो तीन हड्डियां कैसी है, तो सबसे पहले जो है ओके वो आपका है सबसे बाहर में जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैलियस। तो मैलियस नाम की ये हड्डी है, इसका साइंटिफिक नेम है मैलियस, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप लोग इसको याद रख सकते हो हैमर। ओके, हैमर है ये, तो ये आपका हैमर है, तो आपका ऐसे हैमर साइज में ये वाली हड्डी होगी। और ऑब्वियसली हैमर है तो एक एनविल भी होगा। हैमर और एनविल क्या होता है कि अगेन आपका जो हथौड़ा है, और हथौड़ा जिस चीज पे आपको मारना है ओके, तो वो चीज, तो ये एनविल मतलब जिस चीज पे मारना है, और ये आपका हथौड़ा है।
ओके, तो वैसे ही आपका जो ये बाहर का हड्डी है इसको हम लोग बोलते हैं मैलियस, और ये हो गया आपका हैमर। फिर आपका आता है इनकस, तो आप लोग ये जो अंदर देख रहे हो दिस, ओके दिस पार्ट जिस पे आपका मारा जाने वाला है, सो ये है आपका एनविल मतलब इनकस, ओके सो दिस इज योर इनकस। और लास्ट में आपका जो है वो है एक स्टिरप शेप का, ओके यहाँ पर आप लोग जो हड्डी देख रहे हो हॉर्स का स्टिरप आपने देखा होगा, ओके अगर घोड़े पे आप लोग चढ़ते हो तो घोड़े पे चढ़ने के बाद में जहां पे आप लोग अपना पैर अटकाओगे वो कैसा दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखेगा, तो ये हॉर्स स्टिरप बोलते हैं इसको कभी कभी, तो ये हॉर्स स्टिरप जो है वो ऐसा है, तो ये हॉर्स स्टिरप आपकी तीसरी हड्डी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपेज, ओके। तो जब भी आपके कान में कोई भी आवाज जाता है तो सबसे पहले आपके कान के पर्दे पर पड़ता है, और कान का पर्दा क्या करेगा, सिंस कान के पर्दे पर आते ही कान का पर्दा जो है वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन के हिसाब से ये आपका हैमर वाली हड्डी मतलब मैलियस इनकस के ऊपर में, ओके मतलब एनविल के ऊपर में मारेगा। मारने के बाद में स्टिरप जो है ऑटोमेटिकली आपके जो भी कान में जो भी आपको सिग्नल्स वगैरह बनाने वो बनाएगा और ब्रेन को जो वो ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद में ब्रेन जो है उसको डिसिफर करता है कि ये साउंड जो है वो कैसा है, ओके। कम ऑन गाइस, अगर आप सबको ये सब समझ में आया है ओके, तो सब लोग टाइप करो मैलियस इनकस एंड स्टेपेज, एवरीबडी फास्ट। वेरी गुड विवेक, विवेक है, आरुषि है, यश है, बेल है, तेजल है, गौरवी, शगुफ्ता, ज्योति, गौरव, अंकिता, सिमरन, आदित्य, अभिलाष, संतोष, कार्तिक, गुड। और इन चीजों को याद भी रखना, देखो कुछ सारी चीजें इजी है, एंड इनफैक्ट डोंट यू फाइंड देम इंटरेस्टिंग कि यार तुमको सुनाई कैसे देता है, सुनाई ऐसे देता है कि तुम्हारा ईयर ड्रम है ओके, वो कैसा एकदम एक रबर शीट जैसा ही स्ट्रेच्ड है आपका, ओके देन साउंड जो है वो इस पे वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट करेंगे, और वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद में वो जो है वो आपके सारे ये तीनों आपकी कान की हड्डियां जो है वो एकदम साथ में काम करेंगे और वॉइस को जो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ओके सो यही वाली चीजें आप लोग देख सकते हो। अगेन अगर इसमें अगर हम लोग देखें तो ईयर ड्रम में अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करोगे कि ये आपने समझो इसके ऊपर में एक रबर वगैरह लगा दो, और रबर के ऊपर में आप इस पर कोई भी दाने वगैरह रख दो, इसमें अगर नीचे से जब तुम फूंक मारोगे या कुछ बोलोगे तो ये रबर जो गिरना शुरू होंगे, क्यों, क्योंकि ये वाले रबर पे आपके वाइब्रेशन होता है। वैसे ही हमारे कान में भी होता है कि हमारे कान जो है तो कान का पर्दा जो हम लोग बोलते हैं ना, तो कान का पर्दा सबसे आपके यहाँ पे होगा, और यहाँ से फिर आपकी ये तीन हड्डियां जो है वो आएंगी और आगे काम कर देगी। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि ये कान का पर्दा जो है ना उसका फट गया है इसलिए वो काम नहीं, उसको सुनाई कम देता है या नहीं ही देता है। तो रीजन क्या है कान का पर्दा फट गया है, मतलब क्या होता है, तो सिंपल है, जब कान का पर्दा जो है जब ये वाइब्रेशन, और ये बहुत माइन्यूट माइन्यूट काम करते हैं बॉडी में, एकदम बहुत चीजें छोटी छोटी होती हैं, तो अगर इसमें से ये थोड़े सा भी ऊपर नीचे कुछ वॉइस करता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये हड्डी जो है वो ये हड्डियां कैसे कान के पर्दे के साथ में अच्छे से काम करती ताकि आपको साउंड जो प्रोड्यूस कर सके। सो द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेस्ड रबर शीट, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ओके फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड दैट इज हाउ वी हियर, ओके ये है आपका पूरा पूरा कान के बारे में हमको सुनाई कैसे देता है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वॉइस एज वेल एज हाउ वी हियर देम, तो दोनों भी वॉइस एंड हियरिंग ये दोनों भी हमने देख लिया। कोकेला इज पार्ट ऑफ द कोसेला इज पार्ट ऑफ द ईयर, आई एम सॉरी ओके अगेन मैं इतना उसको नहीं पढ़ा हुआ है गौरव, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है। अब हम लोग आते हैं एम्पलीट्यूड पर, ओके एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब एम्पलीट्यूड होता है वो है बेसिकली आपका जुड़ा हुआ है लाउडनेस से कहीं ना कहीं, कि नो डाउट आपका वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है, बट अगर आवाज ही बहुत ज्यादा रही उसकी तो चलो एक बात बताता हूँ मैं तुमको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसे फर्क होता है, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग एक वेव लेते हैं तो वेव में हम लोग सिंपल यही देखते हैं कि वेवलेंथ मतलब क्या है, वेवलेंथ मतलब एक आपका ट्रफ और एक आपका क्रश जो है वो कैसे आपका मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ, ओके सो दिस इज लैम्बडा। फिर दूसरी चीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि आपका एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो कितना जल्दी जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, कम होगी, बट अगर हम लोग देखें कि एक मिनट में कितना हुआ है तो एक मिनट में इसने जो है वो ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पांच ओके ये छह
या पांच जो है इसने, पांच बार इसने प्रोड्यूस की हुई आवाज, और इसने दो ही बार प्रोड्यूस किया, मतलब ढाई टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी। अब दूसरी बात जो आती है वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि अगेन ये दोनों चीजें अगर हम लोग देखें तो ये आपका ए वाला डायग्राम है और दूसरा आपका बी वाला डायग्राम है, ओके। तो दोनों का भी वेवलेंथ जो है वो सेम होगा, बट एम्पलीट्यूड अगर हम लोग देखें तो एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगेन हाइट आप लोग जो देख रहे हो वो बहुत ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड एक तीसरा फैक्टर है। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, और एम्पलीट्यूड जो है वो अलग चीज है। कम ऑन गाइस, ये वाली तीनों चीजें समझ में आई कि आपको कि एम्पलीट्यूड कैसे अलग होता है? जल्दी से यस लिखो, हमको फटाफट लेक्चर खत्म करना है। तो अब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो हम लोग इस एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, और जो भी हम लोग ये फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे वो उसका नंबर ऑफ वाइब्रेशन वगैरह होगा। तो अब वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वाइब्रेशन, एंड दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो सिंपल है, इसी को हम लोग जो है वो ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन बोलो आप इसको, या फिर आप लोग जो है इसको वाइब्रेशन बोलो, ये सब जो है वो आपका टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ही इसका नाम है। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। यही वाली चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, ओके। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन से किस से हम लोग गिनते हैं? सो वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ द हर्ट्ज, ओके। तो अब ओके, यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द साउंड जो है वो हर कोई जो है वो दे हैव हर कोई साउंड जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जाता रहता है, और दूसरी बात उनका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होता है। सो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, एंड इसी से हम लोग जो है वो हर एक साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब उसका लाउडनेस पे फर्क पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी जो है उसके पिच पर फर्क करता है, ओके। तो मेन की वॉइस जो ज्यादा लाउड होती है, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होता है, और वुमन की वॉइस जो होती है उसका आपका पिच मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको हमेशा ज्यादा मिलने वाला है, और ये हम लोग हर्ट्ज के सिंबल में दिखाते रहता है। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो याद रखना, ओके, लाउडनेस अलग चीज है, लाउडनेस इज व्हाट इट इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, कि जितना तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा उसका हर बार जो है वो स्क्वायर होगा। सो लाउडनेस की अगर हम लोग बात करें तो एक नॉर्मल जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो उसका लाउडनेस कितना होता है उसको हम लोग डेसिबल पॉइंट में गिनेंगे, तो इसको हम लोग हर बार जो है वो डेसिबल पॉइंट में गिनते हैं, ओके। और एम्पलीट्यूड जो है वो आपका मीटर्स में वगैरह कभी कभी गिनते हैं उसको, कि कितना मीटर्स है, कितना सेंटीमीटर्स है, उसके हिसाब से हम लोग गिनते हैं, बट ये हर बार डेसिबल पॉइंट में गिनते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग का जो हमारा साउंड होता है कि आप सब अगर ब्रीथ करो और उसको सुनो, तो वो साउंड जो है वो है आपका 10 डेसिबल पॉइंट का। सो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, ये इतनी सी जो आवाज थी वो था आपका 10 डेसिबल पॉइंट, ओके। आप लोग जो सॉफ्ट विस्पर करते हो, ओके, तो सुन ले, तो ये वाला जो है उसमें आपका ऑलमोस्ट 30 डेसिबल वॉइस, 30 डेसिबल का लाउडनेस जो वो क्रिएट होता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 60 डेसिबल पॉइंट का है। बिजी ट्रैफिक जो आपका हॉर्न वॉर्न बज रहे होते हैं वो 70 डेसिबल पॉइंट का होता है, और एक एवरेज फैक्ट्री में जो भी मशीनें वगैरह चल रही होती है उस टाइम पे वहां पे 80 डेसिबल का आपका साउंड या लाउडनेस जो प्रोड्यूस होता है, और 80 डेसिबल पॉइंट के ऊपर में अगर आप जाओ तो नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल, और उससे आपके कान का पर्दा जो है वो फट सकता है। तो वही वाली बात जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं। सबको ये वाली चीज समझ में आ रही है क्या, कि इट इज द इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स अ ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड एज द डेसिबल पॉइंट्स, ओके। और लाउडनेस के अलग अलग पैरामीटर्स आपके बताए हुए हैं जो कि सीधा का सीधा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। सबको अगर ये वाली चीज समझ में आई है तो जल्दी से टाइप करो 80 डेसिबल। विवेक, वैष्णवी, कार्तिक,
जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब वही श्रिलनेस या फिर पिच मतलब क्या कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करेगा। तो जब सीटी तुम बजाते हो तो उस टाइम पे क्या होने वाली है, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई रहेगी, लेकिन जब तुम ड्रम बजाते हो तो उसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा रहेगा। मतलब इसका क्या होगा कि इसका इसका वेवलेंथ कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी होगी कम, ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा लेकिन वेवलेंथ होने वाली है इसकी कम। और इसीलिए जो ड्रम बजता है ना वो आपका बजता है, अब इसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करेगा, ओके। तो दोनों भी आपका जो है वो लाउड हो सकता है, ओके। तो लाउडनेस कैसे डिपेंड करेगा कि अगेन तुम कितना जोर से बजा रहे हो, तो एम्पलीट्यूड जितना जोर से तुम बजाओगे उतने जोर से उसका एम्पलीट्यूड आएगा, और फ्रीक्वेंसी उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, और तुम कितने फोर्स से बजाओगे उसके ऊपर पर उसका लाउडनेस डिपेंड करता है, ओके। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई वी से दैट साउंड इज श्रिल as and has the higher pitch, okay. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has the lower pitch. So drum jo hoga wo lower frequency pe vibrate karega, while CT jo hai wo aapki high frequency pe vibrate karne wali hai. Ab hum log aate hain, usually the voice of a woman has a higher frequency than that of the man. Already apne ko ye wali cheez jo hai samajh mein aa chuki hai. अब हम लोग जो एक चीज समझने वाले वो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो हमको कौन से हर्ट्ज तक के जो वो साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसी चाहे वो कितनी ही लाउड क्यों ना हो तुम लोगों को कभी नहीं सुनाई देने वाली, और कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको सुनाई देती है। और लेकिन वो कुत्तों को, हमको कुछ फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई देती लेकिन कुत्तों को वो सुनाई देती है। तो कौन कौन सा ऐसा, तो वी नो दैट we need a vibrating body for the production of the sound, yes. Can we hear sound of all vibrating bodies? Answer is no, okay. The fact is that sound of the frequency is less than 20 vibrations per second, okay. Matlab kya hai, 20 hertz se agar kam koi frequency hai we won't be able to listen to it, okay. Cannot be detected by the human ear. और वैसे ही सच साउंड्स आर कॉल्ड एज द इनऑडिबल साउंड्स। फिर ऑन द अदर हैंड, ऑन द हायर साइड अगर हम लोग देखें तो साउंड्स और फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब क्या कि 20 किलो हर्ट्ज अगर हम लोग बात करें तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर के साउंड्स जो है अगेन वो भी अपने को ऑडिबल जो है वो नहीं होंगे, बिकॉज ह्यूमन ईयर उनको कैच ही नहीं कर पाता। दस फॉर ह्यूमन ईयर रेंज क्या है हमारी, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। एवरीबडी टाइप दिस, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जल्दी से सब लोग टाइप करो। Gauravi has raised hand. If by mistake, then just type by mistake. Otherwise, ask your question. ठीक है। So this is about it. But बाकी क्या है? Some animals can hear sound of frequency higher than the 20 hertz, 20,000 hertz. And dogs have this ability, and that is why police जो है उनको high frequency whistle, okay, हम लोग use करते। तो police के पास में कुछ कुछ ऐसी high frequency whistles होती है, okay, कि police अगर ऐसे बजाए तो तुमको सुनाई भी नहीं देगा लेकिन वो कुत्ते जो है वो दौड़ते दौड़ते आ जाएगा, because उस कुत्ते ने जो है वो सुना हुआ है उसको, okay, so human जो है उसको नहीं सुन सकते हैं। इवन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वगैरह जो है वो आपके 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर में आपके जाते हैं, इसलिए कभी कभी उसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। लेकिन नॉइस और म्यूजिक में फर्क होता है, ओके। म्यूजिक जो है वो सूदिंग होता है, ओके, लेकिन नॉइस जो है वो क्या होगा, अनप्लेजेंट होगा, और ये अनप्लेजेंट साउंड को ही हम लोग बोलते हैं नॉइस, ओके। व्हाइल म्यूजिकल साउंड जो है जो आपको प्लीजिंग फील होगा। तो दोनों में भी अपने को समझने की जरूरत है।
बट इफ म्यूजिकल साउंड बिकम्स अ टू लाउड तो इट माइट ऑल्सो बिकम्स अ नॉइस. और आजकल हम लोग जो एक प्रॉब्लम से जो सफर कर रहे हैं वो है नॉइस पॉल्यूशन. तो सब लोगों ने एयर पोल्यूशन की बात की, वाटर पोल्यूशन की बात की, बाकी सब बातें की, बट आजकल एक और प्रॉब्लम है जिससे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है. आई मीन आजकल एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है, वो है नॉइस पोल्यूशन. और कोई मुझे बताएगा क्या कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से निगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे क्या क्या होता है? कम ऑन गाइस, अब आपकी बारी है. नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं? हेडेक, ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर, गुड. ईयर डैमेज, गुड. स्ट्रेस, वेरी गुड. लोड ऑन ईयर ड्रम, यस. कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत, एग्जैक्टली. स्लीप, देखो लोगों की स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, यस. लैक ऑफ स्लीप, एंड सिंस देयर इज लैक ऑफ स्लीप देयर इज ऑल्सो एंग्जाइटी, ओके. हार्ट बीट इंक्रीज वगैरह होना, ये सब चीजें जो है वो नॉइस पोल्यूशन से आपका हो ही रहा है. तो अभी इसी को हम लोग जो है समझ के लेते हैं. सो नॉइस पोल्यूशन, यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एज द एयर पोल्यूशन. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज द नॉइस पोल्यूशन. ओके, फिर वो व्हीकल एक्सप्लोजन, बस्टिंग ऑफ क्रैकर, मशीन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, ये सब जो है वो हमारा नॉइस पोल्यूशन जो है वो जनरेट करता है. एंड हाउ डू दे हार्म अस? सो पहले तो सबसे पहले लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, उसके बाद में एंग्जाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड ड्यू टू द नॉइस पोल्यूशन. कभी कभी इवन टेम्पररी या इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है. और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की है. ओके, तो मैं पहले जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे आई यूज टू यूज हेडफोन्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम. ओके, तो ये वाले ऐसे वाले हेडफोन्स आप लोग चूज करो जो आपके कान के एकदम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाए और ऐसे अटक जाए इधर तक नहीं. ओके, बहुत अगर डीप में अगर आपके ईयरफोन्स जाते हैं तो आपके नर्व्स डैमेज हो सकते हैं. ओके, इनफैक्ट ये मेरे साथ में ही किस्सा हुआ था. इसके पहले मैंने ऐसे हेडफोन्स चूज किए हुए थे ओके कि जो एकदम डीप में जाते थे, मैं बोलता था कि नॉइस कैंसलेशन. तो गलत है, जो नॉइस कैंसलेशन वाले तुमको हेडफोन्स बेच रहे हैं उनसे पहले दूर रहो. या फिर वो इवन जो आप लोग ऐसे जो ऊपर हेड के ऊपर में ऐसे जो पहनते हो ओके, वो हेडफोन्स भी चलेंगे, उनको यूज करो. ईयरफोन्स यूज कर रहे हो तो एकदम डीप में जो जाए ऐसे ईयरफोन्स यूज मत करो. दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू योर ईयर ड्रम. ओके, और वो नॉइज जो है वो तुम्हारे बॉडी में क्रिएट कर रहा है. और कभी भी जहां पर भी ऑलरेडी साउंड प्रेजेंट है उस वाले एनवायरमेंट में हो सके तो अगेन आप लोग अवॉइड करो ईयरफोन्स पहनना. अगेन मैं बताता हूं, मैंने ही ओके मैंने ही ऐसा किया हुआ था कि मैं जिम वगैरह जब जाता था तो जिम में मैं अपने ईयरफोन्स और डालता था, तो उसके वजह से फिर मेरे लेफ्ट कान के थोड़े से नर्व जो है वो डैमेज हो गए. एंड फिर तुमको वो एक कंटिन्यूस एकदम टिन वाली साउंड जो है वो आते रहती है. ओके, फिर मुझे सडनली लगा कि मुझे क्या हो गया, मैं बीमार हो गया, ये हुआ है, वो हुआ है. फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया उसने मुझे शांति से समझाया कि तुम क्या करते हो. तो इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशन में हम लोग होते हैं तो हम लोग ईयरफोन्स ये सब यूज करते हैं, तो एक राइट टाइप का ईयरफोन यूज कीजिए. और सिंस अभी आप लोग सब इस साल तो भी ऑनलाइन ही प्रिपेयर करने वाले हो ओके, तो अगर आप सब इस चीज से सहमत हो और अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप लोग सब वाई लिख सकते हो. जो भी हो एकदम अंदर वाले जो आपके एकदम कान के अंदर जाए ऐसे ईयरफोन्स बिल्कुल यूज मत करना, वरना फिर आपको लगेगा सडनली यार मैं बीमार क्यों हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया. तो मेजर क्या है, तो सोर्स ऑफ सोर्स जहां भी है उसको हम लोग कम कर दें. ओके, तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में वगैरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. यस, ऑल नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया. इसीलिए रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो ओपन करने नहीं देते हैं. टीवी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है इनका भी वॉइस हमने कंट्रोल में रखना चाहिए. टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट ओके विच इज अ रेयर इज यूजली फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ. Partial disability is generated as a result of the disease, injury or age. Okay, children with the impairment, with the impaired hearing need special care. By learning sign language, such children can communicate effectively because speech develops as the direct result of the hearing. And child with hearing loss may have defective speech also. Okay, so technological devices जो है वो आजकल उनको help कर रहे हैं. But मैंने भी आपको बताया कि hearing impairment आपको कहीं ना हो, इसलिए right kind of headphones use करो और कभी भी noise में बिना फालतू बहुत एकदम noise cancellation वाले वगैरह headphones use मत करो. It would be for betterment of you.
Anyways, we don't have much time. That is why we are not going to conduct this exercise of, you know, finding the answers. Maybe we'll do it next time. अभी हम लोग सीधा का सीधा एकदम छोटा सा ही चैप्टर है, अपना हार्डली 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा. So let us do this 14th chapter, which is of the chemical effects of the electric current. Okay? So electric current का chemical, मतलब chemical effect, chemical effects of the electric current. तो इससे आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट से क्या होने वाला है. बेसिकली इस चैप्टर इज अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सब लोगों को पता है. हम लोगों का यू नो कोई भी चीज को उसके ऊपर में हम लोग किसी ना किसी तरीके से शाइनी कोई ना कोई चीज जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट हम लोग कर ही लेते हैं. जैसे अगर अगेन मेरा मोबाइल ही देखे हम लोग, तो ये आपको एकदम जो इतना चमकते हुए दिख रहा है. ओके, ये अगर मैं सीधा लोहा अगर लूं तो लोहे पे ये आपको नहीं दिखने वाला इतनी शाइन. ओके, व्हाई यू आर एबल टू सी दिस मच ऑफ शाइन, बिकॉज जिस भी कंपनी ने, आई मीन OnePlus ने जो इसको मैन्युफैक्चर किया है, इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है. ओके, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है. तो उसको हम लोग मल्टीपल सारे इक्विपमेंट्स में ऑलमोस्ट यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी आपका मेटल हो, चाहे वो इवन आपके ऑर्नामेंट्स हो, उन सब में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं. और ये चैप्टर मेजरली सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही डिपेंड करता है. तो इसमें आपके छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं कि क्या आपका, मतलब पहले तो गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है. और इसमें आपको एक और चीज बताऊं. ओके, हम लोग जो है वो यूजली गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर बोलते हैं, एंड ना कि, ओके, ना कि इसको हम लोग कभी कभी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स बोलते हैं. ऐसा क्यों है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर की जगह पे यूजली हम लोग गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर क्यों बोलते हैं, या ज्यादा प्रेफर्ड वर्ड जो है वो ये क्यों है? एनीवन वांट्स टू ट्राई आउट द लॉजिकल रीजन फॉर दिस? नॉट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बट ऑलमोस्ट ऐसा है कि सारे ही मटेरियल यूजली, ओके, कुछ ना कुछ कंडक्ट करते रहते हैं. सिर्फ ऐसा होता है कि कोई गुड कंडक्टर होता है और कोई बैड कंडक्टर होता है. ओके, तो इसमें से भी आपके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी इधर से उधर, कोई तो एनोटेट कर रहा है, कौन है ऐसा? कम ऑन गाइज, आप लोग सब इतने सीरियस नहीं हो क्या? एनोटेट वगैरह कर रहे हो, आप लोगों को ध्यान पड़ना चाहिए इतना कि मैं क्या कर रहा हूं करके. हु इज यूजिंग दिस ऑप्शन? एनीवेज, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, डन. और एनोटेट सारा का सारा इरेज करना है अपने को. यस, बट अदर्स माइट्स कंडक्ट अ बिट. एग्जैक्टली. ओके, तो ये अभी आपको एक नॉर्मल ऐसे नहीं समझ में आएगा, बट अगर उसके आजू बाजू में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर रोटेटिंग, इसमें वर्ड जो है वो है रोटेटिंग. ओके, अगर वही आपका रोटेटिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड रहा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगी. और इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करने वाला है. और यही प्रिंसिपल जो है हम लोग एक्चुअली जनरेटर वगैरह में यूज करते हैं. तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखो तो जनरेटर में आपका डीजल आप लोग लोगे. ओके, डीजल के बाद में क्या होगा, डीजल ही आपका बर्न होगा. बर्न होने के बाद में क्या होने वाला है, इसमें आपका शाफ्ट जो है वो रोटेट करना शुरू होगा. जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, यही शाफ्ट से जुड़े हुए होंगे आपके मैग्नेट्स, और ये मैग्नेट जो है वो आपके रोटेट होना शुरू होता है. और जब मैग्नेट रोटेट होना शुरू होगा, और इसके बीच में अगर मैं कोई भी एक अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में रखूंगा, तो उसमें से फिर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है. ओके, वैसे ही जो हमको स्ट्रांग मैग्नेट भी जब जनरेट करने होते हैं, तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज करते हैं, ताकि हम लोग एकदम स्ट्रांग मैग्नेट जो जनरेट कर पाए. तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आई सपोज इतना सबको पता है. ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में. तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर यूजुअली कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर. लेकिन रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इनको हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, इसलिए इन लोगों को हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर. ओके, बट वॉट अबाउट द लिक्विड्स? क्या लिक्विड में भी ऐसा ही होता है क्या?
तो लिक्विड का भी, तो यहाँ पे जो कुछ हम लोग देख रहे हैं ये सब सॉलिड स्टेट का देख रहे हैं, तो सॉलिड में इजी होता है, बट लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड में कैसे कंसिडर करें? सो डू लिक्विड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? आंसर इज क्लियरली यस, बट डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लिक्विड आप लोग उसमें डाल रहे हो। जैसे अगर आप लोग उसमें डिस्टिल्ड वाटर रखोगे, ओके डिस्टिल्ड वाटर रखो और एक के अंदर में आप लोग जो है वो सॉल्टी वाटर रखो, इसमें सॉल्ट वॉल्ट डाल के रखो, और अब अगर आप लोग इसमें ऐसे सब करो, ये सॉल्ट वाटर के अंडर में आपने ऐसे डुबाया हुआ है और बल्ब को अगर चेक करो इधर से बैटरी से कनेक्शन वगैरह जा रहा है, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको इसमें समझ में आएगा कि लाइट जो जल रही है, ओके। लेकिन अगर हम लोग वही डिस्टिल्ड वाटर देखें, डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या, इसमें सॉल्ट ऑलमोस्ट एबसेंट होंगे, तो वैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका बल्ब जो है वो जलने ही नहीं वाला है। लेकिन जलता नहीं है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है क्या? आंसर इज नो, ओके। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बट इट इज नॉट सफिशियंट, ओके, और इतनी सफिशियंट नहीं है, बिकॉज बल्ब आपका कैसे जलता है, कोई भी बल्ब आपका जब जलना है तो बल्ब के लिए क्या करना होता है, पहले बल्ब जो है इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी लेके जाता है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, और ये हीट इतनी बढ़ती है कि ये ग्लो होने लगता है, और इसीलिए आपका बल्ब जो है वो चालू होता है। सो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ओके। हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक देन फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, और फिर आपका बल्ब जो है वो नहीं जलने वाला है। लेकिन फिर इसको हम लोग कौन से तरीके से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे बल्ब जलेगा, कहाँ मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो रही है? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अगेन प्लेस दिस ऑब्जेक्ट ऐसे और उसके अराउंड में, यहाँ पे आपका ऐसे कंपास या मैग्नेट वगैरह आप लोग रख लो, और ये कंपास के अराउंड में इसको अगेन आप लोगों ने ऐसे कॉइलिंग वगैरह इसका किया हुआ है, और ये कॉइलिंग के अराउंड में ओके अगर आप लोग देखोगे कि जनरेट हो रहा है क्या, तो आपको पता चलेगा कि छोटा सा एकदम करंट आता है और उसकी वजह से आपका एक कंपास जो डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर में भी आपका जो है वो वाटर मतलब करंट जो है पास होता है, बट वो करंट जो है वो इनफ नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिर पुअर कंडक्टर वगैरह बोलेंगे। सबको ये चीज समझ में आ गया कि उसको पुअर कंडक्टर क्यों बोलेंगे, कंडक्ट तो करने वाला है लेकिन पुअरली कंडक्ट करेगा। जल्दी से वाई लिखो अगर सबको ये चीज समझिए तो। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक इफेक्ट, ये वाली चीजें सबको पता है, और बाकी आपको एलईडी के बारे में पता होना चाहिए। और एलईडी में आप लोग हर बार देखोगे एक लाइन जो होगी, अगर आप बाजार से एलईडी परचेस करने जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक वाला पार्ट जो है वो हमेशा आपका लंबा होगा, और वो लंबा वाला पार्ट जो है वो हमेशा आपको दिखाता है कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ओके। तो सिर्फ इतना ही याद रखो, क्योंकि इसमें आपके पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी मैटर करते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सो देर आर टू वायर्स, ओके, या फिर इसको हम लोग लीड्स बोलते हैं, अटैच टू द एलईडी। One lead is slightly longer than the other. Remember that while connecting the circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery, and shorter lead जो है वो आपका हर बार negative terminal of battery को connect करता है। इतना सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। बाकी यही हमारा जो हम लोगों ने देख लिया already, कि इसमें कैसे एक magnetic field भी हम लोग जो है deflect करता है। ठीक है? So actually, under certain conditions, most material can conduct. Okay, that is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductors instead of classifying them as a conductor and insulators. Okay, यही वाली बात हम लोगों ने already कर दी है। तो salt dissolve करोगे एक distilled water में, तो आपका इसमें अच्छा खासा electric current जो pass होगा, otherwise नहीं होगा। अब जो main इसका application है वो है आपका chemical effect क्या generate होगा। तो केमिकल इफेक्ट मतलब क्या है, बेसिकली जब तुम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर रहे हो उसमें, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो, इवन ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसको यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उस पर भी होने ही वाला है। तो वो क्या होता है, ओके, तो समझो आपने ऐसे वाटर लिया है और उसमें आपने दो कार्बन रॉड्स ऐसे डाल के रखे हुए हैं, ओके, कार्बन रॉड्स ऐसे डाल के रखे हुए हैं, तो एक्चुअली इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, या फिर इनको कैथोड एंड एनोड बोलते हैं। तो अब मेरा सवाल है, कैथोड किसको बोलेंगे और एनोड किसको बोलेंगे? पॉजिटिव को कैथोड बोलेंगे या नेगेटिव को कैथोड बोलेंगे, और एनोड किसको बोलेंगे, जल्दी बताओ। एवरीबडी फास्ट, यस, वेरी गुड। एनोड नेगेटिव नहीं है, एनोड जो है वो हर बार होगा आपका पॉजिटिव, ओके,
एनोड पॉजिटिव और कैथोड जो है वो निगेटिव होगा। तो यूजली हम लोग अ से जो भी चीजें शुरू होती है उसको हम लोग निगेटिव कनोटेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे कंफ्यूजन देख रहा हूँ कि एनोड तुम निगेटिव लिख रहे हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो एनोड इज एन इलेक्ट्रोड थ्रू विच पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका फ्लो होगा। ओके, सो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। सबको समझ में आ गया एनोड एंड कैथोड? कम ऑन, जिन जिन लोगों ने गलत किया है, एनोड इज पॉजिटिव, ओके, एंड कैथोड इज निगेटिव। Exactly. Anode is positive, cathode is negative. So remember this always. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। So इलेक्ट्रोड अगर आप लोग ऐसे लगाओ तो आप लोग जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थोड़ी सी पास होगी तो आप लोग देखोगे उसमें से कि दोनों भी ये जो आपके दोनों भी जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इसके आजू बाजू में आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। ये बबल्स किसके होते हैं? तो आपके हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं। ठीक है, तो जहां पे ऑक्सीजन आया है यूजली वो आपका पॉजिटिव होगा, ओके, और जहां पे आपका हाइड्रोजन आया है यूजली वो निगेटिव आपका होगा। ओके, तो उधर में आपके ऐसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बबल्स जो जनरेट होता है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट, ओके, तो ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, ओके, हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन द वाटर एंड द करंट वाज पास्ड, बबल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स वर प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्मड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कौन? एनोड। ओके, और वाइल वही आपके जो है बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल जो है वो आपके जो दूसरा मतलब निगेटिव टर्मिनल जो होगा वहां पे आपके फॉर्म हुए। तो ये ब्रिटिश केमिस्ट ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और तभी से हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से काम करना शुरू किया। ओके, सो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज द केमिकल रिएक्शन, एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैसेस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ओके, डिपॉजिट ऑफ मेटल्स मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो, चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन मे ऑल्सो ऑकर। तो इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों को घर पे करना है आप लोग बिंदास कर सकते हो। करना क्या है, आलू लेना है, ओके, आलू को काटना है, काटने के बाद में आलू रख दो ऐसे और उसमें आप सेल जो है, ओके, सेल को ऐसे कनेक्ट कर दो और सेल का आप वायर जो है ऐसे लेके इसमें कनेक्ट कर दो। तो जो आपका पॉजिटिव वाला जो पार्ट होगा ना वहां पे आप लोग देखोगे आलू जो है वो हरा हरा हो जाएगा। ओके, आलू जो है वो हरा हो जाएगा और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो आपका हरा नहीं होने वाला। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा आपका पार्ट जो है पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है किसी सेल का, तो आप लोग ऐसे पक्का पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इतना या आजकल तो लिखा हुआ ही होता है बट समझो पता भी करना रहा आपको कि चेक करना है, डबल चेक करना है कि उन लोग सही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, देन एट दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली यूज दिस टेक्निक। हरा आपका आलू जहां पे हो जाएगा वो वाला आपका पॉजिटिव पार्ट होगा। ओके, तो इसमें ये एक स्टोरी के फॉर्म में सीखा है कि बूजो जो है वो ऐसा ऐसा कर रहा था, उसकी मम्मी ने उसको बुलाया, उसकी मम्मी बुलाई आ जा खाना खा ले बेटा, वो आओ, तब तक उसने कुछ तो कर दिया और एक्सीडेंट से उसने एक नई चीज ढूंढ ली। और यही चीज को आगे हम लोग अब बोलते पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कंटेक्स्ट में। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इसमें अगर किया क्या किया, इसमें एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इधर में एक कॉपर की वायर, इधर में एक कॉपर की प्लेट रखी, इधर में एक कॉपर की प्लेट रखी, एक घंटे के बाद में जब मैंने इसको यहां से ओके सेल का कनेक्शन वगैरह दिया हुआ है, एक घंटे के बाद में क्या होने वाला है, एक घंटे के बाद में क्या होने वाला है, ये दोनों कॉपर प्लेट्स का क्या होने वाला है, किसी को पता है क्या इसके बारे में? क्या होगा? यस एनीवन? नहीं पता, नहीं पता नो लिखो सीधा, मैं आपको बताता हूं फट से। ओके, तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो एक जो है अगर आपने दोनों कॉपर की प्लेट अगर देखी हुई है, ओके, और इसमें आपका ऐसा कॉपर सल्फेट का ये वाला सॉल्यूशन अगर आपने रखा हुआ है तो, और इसको आपने बैटरी से भी कनेक्टेड करके रखा हुआ है, तो धीरे धीरे ऐसा होने वाला है कि एक कॉपर प्लेट जो है वो आपकी धीरे धीरे थोड़ी सी कम होने वाली है, छोटी 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 जो है वो होने वाली है। तो इसको अगर हम देखें ये ऑलमोस्ट इतनी छोटी हो जाने वाली है और यही एक्स्ट्रा कॉपर प्लेट जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें ऐड हो जाने वाला है या इसके आजू बाजू में ऐड हो जाने वाला है। व्हाई दिस हैपेंस? ओके, कैसे हो जाता है ये?
तो होता क्या है, आपका इसमें ऑलरेडी तुमने जो मटेरियल लिया हुआ है वो मटेरियल होता है कॉपर सल्फेट का, ओके। तो ये कॉपर सल्फेट का जो मटेरियल तुमने लिया हुआ है, तो इसमें से कॉपर सल्फेट जब इसमें से हम करंट पास करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट अलग हो जाता है, लेकिन ये सल्फेट फिर चुप बैठेगा क्या? आंसर इज नो। तो कॉपर जो है वो एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव है मतलब ये निगेटिव की तरफ में अट्रैक्ट होगा, तो जो भी निगेटिव आपका टर्मिनल होगा ओके, तो उस पर जाके ये अट्रैक्ट होके यहाँ पे चिपक जाने वाले और ये प्लेट आपकी बढ़ जाने वाली है। लेकिन फिर ये सल्फेट का कुछ ना कुछ तो कॉपर का लॉस हुआ है, वो लॉस उसको कंपनसेट करना होगा, तो वो कहां से करेगा? यहां पर जो आपका एक्स्ट्रा कॉपर जो था उसको वो ले लेगा और ऐसे इसका कॉपर सल्फेट जो है वो बनाएगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। कि आप लोग क्या करने वाले हो फिर, अब इसमें अगेन वही काम करना है कि जिस प्लेट पे ओके, आपको समझो ये आपका लोहा है ओके, और आपको पता है फेरस पे जो है अगर हम लोग इस पे प्लेटिंग वगैरह करने जाएंगे तो आपकी अच्छी प्लेटिंग मतलब इस पे आपको शाइन वाइन नहीं मिलेगी और इसको जंग भी लगने वाला ही, लेकिन आपको जो है वो क्या करना है, क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है, और क्रोमियम का सिर्फ अगर आपने नल बनाया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, नीचे में हम लोगों को लोहा रखना है, ऊपर में उसके क्रोमियम की प्लेटिंग लगानी है ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे, इसको निगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे ओके, और आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन वगैरह ले लेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो है ये क्रोमियम जो है यहां से आना शुरू होगा और इस पे आपका आके अटैच हो जाएगा ओके। तो निगेटिव के तरफ में, क्योंकि क्रोमियम अगेन एक पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव जो है वो आपके निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में जाएगा जिसको हम कैथोड बोलते हैं ओके। तो कैथोड की तरफ में आएगा, कनेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर में ऐसे प्लेटिंग जो है वो हो जाएगी। यही है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसीजर। सबको समझ में आई क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसीजर, या कैसे कॉपर सल्फेट में से एक प्लेट जो है उसकी कम होगी और एक प्लेट जो है वो ज्यादा होगी? और जितने अच्छे से समझ में आई है उतने वाई प्रेस करो। ग्रेट ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper sulfate disassociates into copper and sulfate, the free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of the copper from the solution? So, iske liye from other cathode, a copper plate, okay, equal amount of the copper gets dissolved into the solution, okay, or इसका जितना भी लॉस ऑफ कॉपर जो है वो इधर में आपका ऐसे आ जाने वाला है, एंड दिस मींस दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन टू द अदर मटेरियल या ऑन अनदर मटेरियल इज बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ओके। तो मैंने आपको बताया कि क्रोमियम जो है, ऐसे अगर आप क्रोमियम का ही सिर्फ नल बनाओगे तो वो 1000 रुपए का नल पड़ेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्रोमियम की सिर्फ प्लेटिंग चाहिए, वो आपको 150 रुपए में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का आपका लोहा लग गया और 50 रुपए का क्रोमियम लग गया, वरना आप 1000 रुपए में नल खरीदते तो क्यों करें ऐसा हम? दूसरा, इवन जो आपने ऑर्नामेंट्स वगैरह देखे हुए उसमें गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं लोग सीधा ओके, तो आपका बहुत बार ऐसा भी होता है गोल्ड प्लेटिंग कर दिया और हो गया डन, सोना दिखा दिया हमने ओके। या इवन आपने ऐसे जो बर्तन वगैरह देखे होंगे इन सब पे आपकी ऐसी प्लेटिंग जो है वो होती रहती है ओके। सो the layer of metal deposited has some desired properties which the metal object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen, gas burners, bicycles, handlebars, wheel rims, many others. Kyun? Kyunki chromium has a shiny appearance, it does not corrode and it resists the scratches also. However, chromium is very expensive. और अगर इसको हम लोग सिर्फ इसका इसी को यूज करें तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज वी जस्ट सिंपली इसका करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ओके। और उसके बाद में ऐसा ही आपका सिल्वर गोल्ड इनका भी करते हैं, इवन टिन के आपने कैंस जो देखे हुए ना वो प्योरली आपके सिर्फ टिन से नहीं बने हुए होते हैं, क्योंकि टिन जो है वो नॉन रिएक्टिव आपका एलिमेंट है, तो पहले आपका आयरन का बना दोगे आप उसमें, और उसमें फिर टिन की जो है वो कोटिंग कर दोगे ताकि अगेन आपके टिन के कैन इजीली बन जाए। तो स्टोरिंग फूड के लिए आपके टिन के कैन हो गए। इवन फॉर दैट मैटर जो हम लोग लंबे लंबे जो ब्रिजेस बनाते हैं, आपने कभी सोचा है क्या कि लोहे का ब्रिज बना दिया, लोहे की आपने जहाज बना दिए और पानी में ही है वो, कैसे वो कभी टूट नहीं जाता है? वो टूटता नहीं है बिकॉज उसके ऊपर में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, अगेन किसकी? जिंक की, ताकि वो कभी खराब ना हो, कोरोड ना हो, कोरोजन नहीं हो और रस्ट फॉर्म ना हो। कोरोजन कब होने वाला है? जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा।
अगर उसके ऊपर में आपका जिंक जो है वो अगर लगा हुआ है तो फिर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से रहा तो आपका कोरोजन नहीं हुआ तो वो टूटने नहीं वाला है एंड दिस इज हाउ दिस एंटायर प्रोसीजर वर्क्स. ओके सो इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ दिस कंडक्टिंग सोल्यूशन जो है वही सिर्फ एक मेजर कंसर्न बनता है, वो आपका पोल्यूशन वगैरह क्रिएट करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर, एलईडी एंड पुअर कंडक्टर. आई सपोज ये भी आप सबको समझ में आया है. कम ऑन गाइस, जल्दी से बताओ, सबको अच्छे से समझ में आया है? यश है, आदित्य है, विवेक है. सो आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग साइंस जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं. ठीक है तो गाइस आप सब मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा खुद का अलग से चैनल है अरविंदा नाम का. ओके अभी इस पे 2144 लोग है. बाकी इसके अलावा मेरा एक YouTube का भी चैनल है जिसमें मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ, तो उसके भी 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी. तो इंडिया चाइना इश्यूज वगैरह आपको समझ के लेने हैं, इजीली आप लोग समझ सकते हो. मैं अभी सोच रहा हूँ आजकल मैं मोस्टली इंडिया और नेपाल का जो आजकल जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है ना वो मैं अभी जल्दी ही बनाने वाला हूँ, तो आप लोग मुझे मेरे साथ में वहां से जुड़ सकते हो. और बाकी हर एक स्लाइड में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, कभी भी आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट करना है, एक्चुअली वो वहां नहीं दिख रहा है, आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, नीरव सर और मैं हम दोनों भी आप लोगों को गाइड करने के लिए यहीं पर है. बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, आई होप इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल और आप सबको मजा आया होगा. अगर सबको मजा आया है तो बाय लिख के जाइएगा. ओके जाने के पहले एवरीबडी टाइप बाय सो दैट आई नो हु ऑल वर देयर टिल द लास्ट मोमेंट. And I'll see you very soon because अभी अपने को चार chapters जो खत्म करने हैं, हम लोग जल्दी वो खत्म करेंगे. okay? चार ही chapters बचे अभी इसके, और फिर आप सबको पता है कि हमारा यहाँ पे बहुत एकदम high level का science लगने वाला है. ये तो हम सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा NCERTs का डर वगैरह मिटाने के लिए पढ़ रहा है. High level का science अपने को लगेगा. okay? Bye bye everyone, take care. और अगेन सब लोग ध्यान रखो, COVID-19 बहुत बड़ी तरीके से फैले जा रहा है और एयरबॉर्न बन चुका है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा इससे सेफ रहो. बाय बाय, टेक केयर.